हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14, इकोसिस्टम। तो आओ देखें क्या कह रही है एनसीईआरटी इकोसिस्टम के बारे में। ओके, तो चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एनसीईआरटी निकाल ली सब लोगों ने? एनसीईआरटी पक्का निकाल लेना, बिना एनसीईआरटी के तुम लोग मत बैठना वरना दिक्कतें पड़ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है ये? एन इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज्ड एज, कह रहा है इकोसिस्टम से हम समझें क्या। जैसे मोटी मोटी चीज बता दूं, इकोसिस्टम है क्या? लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर में लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में इंटरेक्शन है, बस वही इकोसिस्टम कहलाता है। उसी के बारे में और बारीकी से बात की गई इस चैप्टर में, ठीक है ना। लिविंग जैसे कि हम लोग क्या है, लिविंग है, और हमारे आसपास एयर है, पानी है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग चीजें हैं। ये जो हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यही आता है सब कुछ किसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो पढ़ी जाती हैं, तो समझते हैं। तो कह रहा है एन इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इसको मार्क करेंगे, है ना। जैसे कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। तो नेचर की अगर कोई सबसे छोटी यूनिट जो फंक्शनल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। वेयर, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट मतलब तालमेल करता है या किसी के साथ मिलता है, अमोंग देमसेल्फ, लिविंग ऑर्गेनिज्म अमोंग देमसेल्फ अपने ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, तो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग की जो फिजिकल एनवायरमेंट है उससे भी इंटरेक्ट करता है। तो वही बात आ गई, तो इकोसिस्टम में दो बातें आ गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद अपने आप से भी इंटरेक्ट करेगा, जैसे मैं एक इंसान हूँ दूसरे इंसान से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, साथ साथ में अपनी सराउंडिंग, जैसे बोर्ड है, कैमरा है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्या नॉन लिविंग चीज़ें हैं, इन सबसे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सराउंडिंग में वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखी जाएंगी जिनकी हेल्प से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। नॉन लिविंग ऐसी चीज़ें जैसे पानी है, एयर है, ठीक है, उनकी बातें ज़्यादा होंगी। ओके, इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज, ये साइज में बहुत ज़्यादा वेरी करता है ना, यानी छोटे से लेके बड़े बड़े इकोसिस्टम तक होते हैं, छोटे से लेके बड़ा। फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड, यानी सबसे छोटे लेवल पे चले जाएं तो छोटा सा तालाब होता है, ठीक है, टू ए लार्ज फॉरेस्ट और सी, एक बड़ा समुंदर, वो भी अपने आप में क्या है, एक इकोसिस्टम है। छोटा तालाब, वो भी अपने आप में क्या है, एक इकोसिस्टम है। तो कह रहा है इकोसिस्टम का साइज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो सकता है। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम, कई सारे जो इकोलॉजिस्ट हैं वो पूरे कह सकते हो जो हमारा बायोस्फीयर है, ठीक है, ध्यान रखना बायोस्फीयर बोला है, कंफ्यूज करेगा तुम्हें यूनिवर्स बोल के, ठीक है ना। अब यूनिवर्स बोलने से क्या हो जाएगा, दूसरे प्लेनेट है वहां पे लाइफ तो है नहीं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बायोस्फीयर बोला गया, क्या बोला गया, बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम, ग्लोबल पूरे बड़े लेवल का इकोसिस्टम है, एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल, ये किसका मिक्सचर है, किससे कंपोज हो रखा है, लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, जितने भी छोटे छोटे इकोसिस्टम है जैसे कि समुंदर, रेगिस्तान, फॉरेस्ट, अर्थ के जितने भी इकोसिस्टम है लोकल इकोसिस्टम, उनसे मिल करके एक बड़ा इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम बायोस्फीयर, लार्जेस्ट इकोसिस्टम। क्लियर होगी बात? सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग, जो बायोस्फीयर है बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडी एट वन टाइम, अगर हम पूरे बायोस्फीयर को एक साथ स्टडी करें तो बड़ी दिक्कत है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, टुकड़े कर लेते हैं उसके। इट इज़ कन्वीनियंट, ये सहूलियत रहेगा, टू डिवाइड इट इंटू टू बेसिक कैटेगरीज, हम लोग ये हमारे लिए एक सहूलियत हो जाएगी अगर हम इसको दो बेसिक कैटेगरी में तोड़ लें, नेमली टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीनी, है ना, जो लोग जमीन पर रहते हैं, एक्वाटिक मतलब जो लोग पानी में रहते हैं। तो पानी का इकोसिस्टम अलग कर लिया गया और जमीन का इकोसिस्टम अलग कर लिया गया स्टडी करने के लिए। तो देखो क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पॉन्ड, लैक, लैक मतलब झील, वेटलैंड, वेटलैंड क्या होता है, यहाँ पे दलदली टाइप का एरिया रहता है, पानी भरा रहता है। रिवर एंड एस्चुरी आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सब किसके एग्जांपल हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के। अब होता क्या है, अगर यहाँ से बहुत बेसिक सा सवाल अगर नीट को बनाना होगा तो एक वर्ड डाल देगा ये वाला, अब बहुत से बच्चे होते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है, बाकी वेटलैंड पता है, गीला, रिवर, यहाँ से अंदाजा लग जाएगा, एस्चुरी का अंदाजा नहीं लगता है कि ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है या एक्वाटिक है। तो मार्क कर लेना ये चीज, एश्योरी किस में आता है, ये एक्वाटिक में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम, एक्वेरियम जो छोटे छोटे मछलियों का वो होता है,
कांच में जो रखे जाते हैं घरों में, ठीक है, और क्रॉप फील्ड जो फसलें उगाई गई हैं, किसके द्वारा होता है ये? इंसानों के द्वारा। दे मे बी ऑल्सो कंसीडर्ड मैन मेड इकोसिस्टम। तो ये दो एग्जाम्पल किसमें याद रखोगे? इंसानों के द्वारा बनाए गए इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम क्या है? लिविंग का लिविंग के साथ और अपनी सराउंडिंग के साथ जो आपस में इंटरेक्शन होता है, डेट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सिंपल सी बात। उसके अंदर मैंने कहा बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो हम पढ़ेंगे अभी, तो आओ देखें। वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। हम लोग सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि क्या ढांचा है उसका, बना किसके चीजों से हुआ है। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट, इनपुट मतलब प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी कि फूड चेन, है ना। प्लांट ने खाना बनाया, हिरन ने उसको प्लांट को खाया और हिरन को शेर ने खाया। फूड चेन पढ़ते आ रहे हो छोटे क्लास से, वेब, फूड वेब कह लो, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड द आउटपुट यानी कि डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस, ठीक है ना। तो कहना चाह रहा है कि हम लोग यहां पर क्या क्या पढ़ेंगे, एक इनपुट पढ़ेंगे, ठीक है, अप्रिशिएट द इनपुट। अप्रिशिएट मतलब होता है एक तरह से कि चीज को, वैसे तो अप्रिशिएट मतलब होता है तारीफ करना, किसी का बढ़ावा देना। तो यहां पर हम लोग किसको लेके बढ़ावा कर दे रहे हैं? इनपुट को और किसको? आउटपुट को। तो इनपुट और आउटपुट में याद रखना, इनपुट के अंदर कौन आ गया? प्रोडक्टिविटी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, दो बातें आ गई इनपुट के अंदर, प्रोडक्टिविटी जिसको हम प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के अंदर फूड चेन और फूड वेब और न्यूट्रिएंट साइकिल, ये बातें आ जाती हैं। तो मार्क करके रख लेना यहां पर अच्छे से, क्या यहां पर याद रखने वाली बातें हैं? इनपुट, ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया? प्रोडक्टिविटी आ गया और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट साइकिल एंड द आउटपुट यानी कि डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस, कौन सी चीज किसके अंदर है। वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप साइकल्स चेन वेब्स डेट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्लो। हम लोग इसको भी देखेंगे कि क्या रिश्तेदारी है साइकिल में, चेन में, वेब में, जो हमने यहाँ पे बातें कर रहे हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, चेन होती है, फूड चेन है, फूड वेब है, उनमें आपस में किस तरह से लिंकअप है। डेट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्लो, ये जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है इसकी वजह से जो इनमें आपस में लिंकअप हो रहा है उसको भी देखेंगे। विद इन द इकोसिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, इकोसिस्टम के अंदर जो चल रहा है, ठीक है, एनर्जी का फ्लो और आपस में जो क्या हो रहा है, एंड देयर इंटर रिलेशन, उनकी आपस की रिश्तेदारी। तो ये सब बातें अंदर की होने वाली हैं यहाँ पर डिटेल में। तो फिलहाल जो ये बातें हैं इनको नोट करेंगे, मार्क कर लेना, जो चीज़ नोट करने वाली सामने नोट करेंगे। क्लियर है? चलते हैं आगे। ओके, नाउ 14.1 इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हेडिंग हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखते हैं, कह रहा है इन चैप्टर 13 यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग, इसके बारे में चैप्टर नंबर 13 में हमने समझा। यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग, ठीक है ना, किस तरीके से एक सिंगल बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट अफेक्ट करता है एक दूसरे को और उसकी सराउंडिंग को, यानी कि यहाँ पे हमने जितनी बातें पढ़ी हैं, है ना, वहाँ प्रेडेशन वगैरह पढ़ा था, इंट्रैक्शन पढ़ा था एक दूसरे का, तो सारी बातें वहाँ पीछे हुई थी। अब कह रहा है लेट अस लुक एट दिस कंपोनेंट इन मोर इंटीग्रेटेड मैनर, और इंटीग्रेटेड मैनर यानी कि बड़े रूप में देखते हैं हम लोग, एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है विद इन दिस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, इन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, उसने दो बातों का जिक्र कर दिया, बायोटिक एबायोटिक कौन होते हैं, और अब वो बात करना चाह रहा है एनर्जी के फ्लो की। तो आप देखें क्या कह रहा है, इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, कह रहा है जो बायोटिक और एबायोटिक लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये खासियत है ना हर एक टाइप के इकोसिस्टम की, क्योंकि हर एक टाइप में थोड़ा सा अलग चीज रहती है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीसीज कंपोजिशन, कह रहा है कोई भी इकोसिस्टम हो, एक्वेरियम में मछलियां पाई जाएंगी, टेरेस्ट्रियल में जानवर पाए जाते हैं, एक्वेरियम में एक्वाटिक प्लांट पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल में जमीनी प्लांट पाए जाएंगे। तो क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन यानी कि ढूंढना और इन्यूमरेशन और उनको पता लगाना, मतलब उसको एक्सप्लेन करना, ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के प्लांट और एनिमल को ढूंढना और उसको एक्सप्लेन करना, इन्यूमरेट करना, ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीसीज कंपोजिशन, हमको वो बताएगा किसके बारे में कि उस इकोसिस्टम में कौन कौन सी स्पीसीज रहती हैं। बात समझ में आई है?
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइड डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। कह रहा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये थोड़ा सा बात समझने में अटपटी लगती है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर, यहाँ पे एक वर्ड आएगा स्ट्रेटिफिकेशन, है ना, लेयर बना दिया हमने। बात को समझते हैं, एक जंगल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? जंगल। बहुत बड़े बड़े प्लांट है जंगल में, ठीक है, फिर कुछ छोटे प्लांट है, फिर कुछ घासें हैं। अगर हम बात करें किसकी, कि लेयर में तोड़ दें, टॉप लेयर, मिडल लेयर और ग्राउंड लेयर, तो ऑब्वियसली बात है जो बर्ड्स होंगी हमको यहाँ पाई जाएंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे बिग ट्री होंगे बड़े बड़े लेवल पे, यहाँ पे छोटे ट्री आ जाएंगे। रेंगने वाले जो जानवर होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे एक लेयर ये हो गई, इसको स्ट्रेटा बोलेंगे, स्ट्रेटा वन। एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये मिडल लेयर हो गई और एक लेयर ये टॉप लेयर हो गई। हर एक लेयर में अलग अलग चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर हो सकता है कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जानवरों की, या यहाँ डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो, डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊँ तुम लोगों को, डेजर्ट का। तो डेजर्ट तो प्लांट ही नहीं है वहाँ, तो केवल क्या है, ग्राउंड लेवल ही है, एक ही लेयर है। मल्टीपल लेयर्स कहाँ पॉसिबल हैं, या मैं कहूँ कि बताओ टॉप स्ट्रेटा में डेजर्ट में क्या पाया जाएगा, कुछ नहीं होगा वहाँ पर। कोई भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े प्लांट ही नहीं है। सारे के सारे जो भी कुछ थोड़ा बहुत होगा वो नीचे वाले लेयर में होगा। तो जो लेयर बना दी गई है इनकी, अलग अलग लेयर पे हम लोग बात करते हैं, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। अलग अलग स्पीसीज, बर्ड की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाएंगी, रेंगने वालों की यहाँ पाई जाएंगी, थोड़ा बहुत जो प्लांट में कुछ हाइट तक चढ़ लेते हैं उनकी प्रजाति यहाँ पाई जाएगी, या बड़े प्लांट इस लेवल पे होंगे, बीच वाले इस लेवल पे होंगे, ग्रास वाले हर इस वाले लेवल पे आ जाएंगे। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है अलग अलग स्पीसीज का, उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे हैं अलग अलग लेवल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, कुछ और नहीं है। बात समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखो कह भी रहा है, ट्री ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, ट्री सबसे ऊपर पाए जाएंगे, ठीक है, और लेयर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, स्ट्रेटा को क्या कहा गया है, लेयर कहा गया है। श्रब्स ऑफ द सेकेंड, श्रब जो ट्री होते हैं थोड़े जो कम हाइट वाले हो तो यहाँ आ जाएंगे। एंड देन लास्ट में हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर, ठीक है। मैंने बर्ड्स का भी एग्जांपल, एनिमल का भी देने की समझाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में केवल प्लांट्स का लेकर एक्सप्लेन किया गया। तो तुम भी याद रखोगे, एक फॉरेस्ट में तीन लेयर को डिवाइड किया गया, एक फॉरेस्ट को बिग ट्रीज, हर्ब्स एंड सबसे लोअर लेवल पर क्या आ गई, ग्रास एंड हर्ब्स आ गई। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ओके, आगे आते हैं। तो द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। कह रहा है अगर हम लोग इकोसिस्टम, जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कंपोनेंट कौन कौन है, ठीक है ना, जो इकोसिस्टम कंपोनेंट है जिनसे मिलकर इकोसिस्टम बना हुआ है, आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट, हम उसको एक यूनिट की तरह देख सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं बात करूँ, साइकिल एक यूनिट है, लेकिन पहियों का काम घूमना होता है, चेन का काम फंसा कर खींचना होता है, सीट का काम बैठना है, हैंडल का काम टर्न करना है, वो सारे अलग अलग कंपोनेंट मिलकर के एक यूनिट बना रहे हैं साइकिल। तो पूरा अगर एक यूनिट की तरह हम कंपेयर करें, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट जो होते हैं इकोसिस्टम के, वो फंक्शन करते हैं एज ए यूनिट व्हेन कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। अगर हम सारे एस्पेक्ट को समझें तो एक इकोसिस्टम में देखो क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। अल्टीमेटली जो मैं साइकिल का उदाहरण दे रहा हूं, उसका काम क्या है, हमको बैठा के इधर से उधर ले जाना, ठीक है। तो इकोसिस्टम में क्या क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी मतलब प्लांट खाना बनाएंगे, डिकम्पोजिशन जो प्लांट मर गए हैं, एनिमल मर गए हैं, वो टूट के वापस मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। एनर्जी फ्लो, सन से प्लांट में आया, प्लांट से जानवर ने खाया, जानवर मर गया, वापस मिट्टी में गया, रिसाइकलिंग हुई, वापस प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, एनर्जी फ्लो हो रहा है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, वही जो एनर्जी का फ्लो बताया था, एनर्जी फ्लो में क्या रहेगा, प्लांट से एनिमल, थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है, और एनिमल से फिर मतलब ये कह सकते हैं हम लोग हर्बीवर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कौन आ जाएंगे, कार्निवर। तो प्लांट के द्वारा सन से जो लाइट ले करके एनर्जी बनाई गई वो फ्लो कर रही है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। अब न्यूट्रिएंट साइकिल, प्लांट ने जो न्यूट्रिएंट खींचे किसने खाए, हर्बीवर ने, हर्बीवर किसने खाया, कार्निवर ने, तो न्यूट्रिएंट यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब ये मर जाएगा तो वापस कहाँ आ जाएगा, मिट्टी में, मिट्टी से फिर प्लांट फिर लेगा, तो ये क्या हो रही है, साइकिलिंग हो रही है। तो ये चार चीज़ें इकोसिस्टम में पाई जाती हैं,
और ये सारे कंपोनेंट देखो, कोई सिंगल प्लांट उसका एक कंपोनेंट है, हर्बिवोर उसका एक कंपोनेंट है, कार्निवोर उसका एक कंपोनेंट है, सब लोग एक यूनिट की तरह जब काम करेंगे तो ये सारे काम होंगे, तब जाकर के हम कहते हैं कि ये पूरा क्या है, एक यूनिट है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट, ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं, तब जाकर के एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। यानी कि पूरी साइकिल में चेन भी चाहिए, चक्के भी चाहिए उसको घूमने के लिए, सीट भी चाहिए, हैंडल भी चाहिए, तो ये सब चीजें जब होंगी तब इसको एक कंप्लीट इकोसिस्टम कहा जाएगा। अगर इनमें से कोई चीज कमी है तो इकोसिस्टम नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्या कह रहा है, टू अंडरस्टैंड द इथोस, क्या होता है इथोस, तो क्या होता है इथोस, इथोस मतलब उसका नेचर, स्वभाव, ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, किसकी एक्वेटिक की बात कर रहा है, तो लिख लेना इथोस मतलब नेचर, किसी का स्वभाव कैसा है, ठीक है, प्रकृति कैसी है, किस टाइप का है वो। लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जांपल, पॉन्ड को लेकर के एग्जांपल देना चाहता है एनसीईआरटी। दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट, कह रहा है ये एक सेल्फ सस्टेनेबल, अपने आप को खुद मेंटेन रख सकती है। एंड रेदर सिंपल एग्जाम्पल डेट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंट्रेक्शन डेट एग्जिस्ट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो क्या कह रहा है, ये एक फेयरली बहुत छोटा सा सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है और सिंपल एग्जाम्पल है जो कि एक्सप्लेन करता है इवन द कॉम्प्लेक्स इंट्रेक्शन, जो कॉम्प्लेक्स इंट्रेक्शन बहुत ही आपस में जटिल इंट्रेक्शन होते हैं, डेट एग्जिस्ट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स इंट्रेक्शन जो एक इकोसिस्टम में हो सकते हैं उसको भी क्या करेगा, ये एक्सप्लेन करेगा। तो आओ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। अ पॉन्ड इज ए शैलो वाटर बॉडी, शैलो मतलब उथला, बहुत अंदर गहरा नहीं होता है, कितना होगा ज्यादा, 4-5 फीट का गहरा होता है, बहुत गहरा नहीं होगा, शैलो, शैलो मतलब उथला वाटर बॉडी, इन विच ऑल द अबव मेंशन्ड 4 बेसिक कंपोनेंट, 1, 2, 3 और 4, ये चारों जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड, पाए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। द एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर with all the dissolved inorganic and organic substance and the rich soil deposit at the bottom of the pond, mark करेंगे इस चीज को। abiotic component कौन कौन से होते हैं aquatic में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये हो गया abiotic component, the solar input जो light आएगी, the cycle of temperature, day length and other climatic condition regulate the rate of function of entire pond, rate of function, pond काम कैसे करेगा, है ना, जो उसके अंदर एक्वाटिक प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो सब किस पर डिपेंड करेगा, सोलर इनपुट, लाइट कितनी आ रही है, टेम्परेचर कैसा है, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन, इसको मार्क कर लेना, रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड, क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द पॉन्ड डिपेंड, तो दे देगा तुमको 1, 2 और 3 और अगला ऑप्शन देगा ऑल द अबव, या इनमें से कोई एक देगा बाकी तीन नहीं देगा, या चार ऑप्शन देगा, कैसे, सोलर इनपुट, टेम्परेचर, डे लेंथ और क्लाइमेटिक कंडीशन, अगला देगा सोलर इनपुट, कुछ और दे देगा साथ में, आते हैं ना ऑप्शन, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं यहां पर। तो रेट ऑफ फंक्शन, तालाब के काम करने का जो दर है, तेज काम करेगा, धीमा काम करेगा, अब काम करने से मतलब क्या, उसकी प्रोडक्टिविटी वगैरह ये सब मिलकर जो काम कर रहे हैं। द ऑटोट्रॉफिक कॉम्पोनेंट, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खाना बनाते हैं प्लांट, इंक्लूड द फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन कहते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आलगी हमारा, ठीक है ना। तो फाइटोप्लैंकटन में कौन कौन आ गया, सम आलगी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट, सबमर्ज्ड और जो डूबे हुए या थोड़े से ऊपर उभरे हुए हैं, एट द एज, जो हल्के जस्ट ऊपर उनकी थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के अंदर आ गए, ठीक है। तो पहले कंपोनेंट इसके कौन से थे, एबायोटिक, एबायोटिक के बाद कौन से कंपोनेंट आए, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट आए, ठीक है ना। आगे आते हैं, द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंकटॉन, है ना, जू प्लैंकटॉन में कौन कौन आते हैं, द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब जो बॉटम पे पनपते हैं, बड़े होते हैं फॉर्म्स, ठीक है ना, यानी जो भी एनिमल्स हैं फ्री स्विमिंग जो तैर रहे हैं, कीड़े मकोड़े जो एक्वाटिक वाले होते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं जू प्लैंकटॉन के अंदर। एक कहानी खत्म जू प्लैंकटॉन की। फिर आई बात द डिकम्पोजर की, किसकी आई बात, डिकम्पोजर। तो यहां पर जरा गौर से देखना, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्शन का काम कौन कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक।
डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोजर अब आ रहे हैं, पढ़ेंगे उसे। एनर्जी फ्लो की बात करें तो कहां से हो रहा है, ऑटोट्रॉफिक से कहां जा रहा है, मतलब ऑटोट्रॉफिक के अंदर कौन आया, ये फाइटोप्लैंक्टन, वहां से कहां आएगा जूप्लैंक्टन, और जूप्लैंक्टन से डिकम्पोज को डिकम्पोजर्स क्या करेंगे तोड़ देंगे और वापस मिला देंगे। तो डिकम्पोजर में कौन कौन पाए जाते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लाजलेट्स, इनके पास फ्लाजला पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्पेशली अबंडेंट इन बॉटम ऑफ प्लांट, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, बॉटम ऑफ प्लांट में पाए जाते हैं डिकम्पोजर्स, यानी कि जो भी मछली मर जाएगी या कोई प्लांट मर जाएगा एक्वाटिक वाला, ये खा पी के उसको डिकम्पोज कर देंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज होल, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ, और कंजप्शन ऑफ द ऑटोट्रॉफ बाय द हिटोट्रॉफ, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज टू द ऑटोट्रॉफ, दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड अगेन एंड अगेन। तो बड़ी सी लाइन उन्होंने यहाँ पे एक दे दी, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। कह रहा है दिस सिस्टम परफॉर्म, यानी कि ये इकोसिस्टम हो गया एक्वाटिक वाला, ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम का जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली यही चार होते हैं उसके अंदर, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन ऑफ एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो फंक्शन पाए जाते हैं वो ये फंक्शन कर सकता है, ठीक है, इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल, या पूरे बायोस्फीयर को हम लोग एक होल मान के चले, दैट इज क्या क्या हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स ले रहा है ना, वो इनऑर्गेनिक था, प्लांट ने खाना बनाया, उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से प्लांट ने ग्रो किया, जो एक्वाटिक प्लांट थे, सनलाइट की हेल्प से खाना बनाया, ग्लूकोज बना, दैट इज योर ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मटेरियल किसकी हेल्प से बनाया, रेडिएंट एनर्जी, सन की हेल्प से, ठीक है, किसके द्वारा, ऑटोट्रॉफ के द्वारा। अगला स्टेप क्या हुआ, कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉफ बाय हिटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ को खाया किसने, हिटोट्रॉफ ने। हम लोग ये लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो ये होते हैं कौन होते हैं, जो हर्बीवर होते हैं, कहीं ना कहीं उनको हम लोग प्रीडेटर की तरह बोल सकते हैं। तो हमने कह दिया हिटोट्रॉफ, तो यहाँ पे हिटोट्रॉफ कौन हो गए, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर हम लोग प्रीडेटर भी बोल सकते हैं, खैर यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है अभी। तो ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसने खाया, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। देन डिकम्पोजिशन, फाइनली क्या हो, जब मर जाएंगे तो वो डिकम्पोज आएंगे और उनके अंदर से मिनरल निकल करके वापस पानी में मिल जाएगा, और पानी से वापस कौन लेंगे, प्लांट के एनिमल खींचेंगे। तो मिनरलाइजेशन हो गया, जब वापस मिनरल चले गए, ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ, दिस इवेंट आर रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन। तो देखा सिक्वेंस यहाँ से याद कर लोगे कि इसके बाद क्या हो रहा है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। देयर इज यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो मोशन होता है हमेशा कैसा होता है, यूनिट डायरेक्शनल, सन से आएगा तो सीधा लास्ट तक जाएगा, वापस बीच में बैक नहीं आता है। द हायर ट्रॉफिक लेवल टूवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज ए हीट टू द एनवायरमेंट, कह रहा है यूनिट डायरेक्शनल है, किसकी तरफ जाती है ये एनर्जी, लो ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या है, हम लोग बात कर लें, अगर ट्रॉफिक लेवल की यहाँ जिक्र आ ही गया है, ट्रॉफिक लेवल में हम लोग सबसे नीचे रखते हैं किसको, प्रोड्यूसर को, जो खाना बनाते हैं, फिर जो इन प्रोड्यूसर को खाएंगे जनरली कौन आते हैं, हार्बीवोर आ जाते हैं, हार्बीवोर को जो खाते हैं वो कार्निवोर आ गए और टॉप कार्निवोर। तो ये ट्रॉफिक लेवल है, कौन कहाँ से एनर्जी, जो एनर्जी का फ्लो का डायरेक्शन होता है यही क्या बन जाता है, ट्रॉफिक लेवल बन गया। सब नीचे बनाने वाले, फिर उसको खाने वाले, फिर उसको खाने वाले, फिर उसको खाने वाले, डेट इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ये सबसे हाई ट्रॉफिक लेवल हो गया, क्लियर है। अगर एक उसकी बात करें, एक्वाटिक की बात करें, तो आल्गी को कौन खाएंगे, छोटी मछलियाँ खाएंगी, छोटी मछली को उससे बड़ी, उससे बड़ी को फिर हो सकता है बड़ी मछली खा ले या ईगल खा ले आकर के, तो वो सबसे टॉप लेवल पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ट्रॉफिक लेवल्स। अब साफ साफ कह दिया एनर्जी का फ्लो हो रहा है किस तरफ, लो ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल की तरफ, एंड डिसिपेशन मतलब खर्चा हो रहा है और लॉस हो रहा है हीट का टू द एनवायरमेंट। ऑब्वियसली बात है जो हीट होता है, डिसिपेशन एंड लॉस ऑफ, लॉस एज ए हीट, जो एनर्जी होती है वो खर्च होती जा रही है, खत्म होती जा रही है और लॉस होती जा रही है हीट के रूप में टू द एनवायरमेंट। क्लियर होगी बात। तो एनर्जी की दो बातें नोट करेंगे, लो से हाई एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ती है, और जब बढ़ रही होती है तो उसका नुकसान हो रहा होता है एनर्जी का, डिसिपेट हो रही होती है, खर्च हो रही होती है और लॉस हो रही होती है हीट के रूप में। क्लियर है।
चले आगे, देन है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब साफ है किसी चीज का बनना, कोई चीज जो बन रही होगी। अ कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ऑब्वियसली बात, अगर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो सबसे नीचे जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर है कौन ही एक्चुअली, ऑटोट्रॉफ है ना, बिना पेड़ के या बिना पेड़ों के जिंदगी सर्वाइव, मतलब जो लाइफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ना अर्थ में ना कहीं पे भी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ओके। ये बात सब समझ में आ गई हम लोगों को कि किसी भी इकोसिस्टम में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सोलर एनर्जी का पड़ना, जिससे कि लाइफ क्या रह सके, सस्टेन, सस्टेन मतलब मेंटेन रह सके। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट। अब एक डेफिनेशन आने वाली, एक टर्म आ गया हमारे पास, प्राइमरी प्रोडक्शन। कह रहा है प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ बायोमास। किसके टर्म में बातें हो रही हैं, बायोमास। बायोमास क्या होता है और देख लें अभी, और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बायोमास मतलब लिविंग चीजों का वेट कर लें तो वो क्या कहलाएगा, लिविंग मास हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बायोमास, ठीक है। तो सिंपल सी बात बोल दी, जो प्लांट थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस की और जितना खाना बना लिया, जितना भी खाना बना लिया, ठीक है ना, और कैसे, पर यूनिट एरिया, हम एक यूनिट एरिया ले लेंगे, जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका वेट कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। ध्यान रखना, वो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर बोल सकता है, ठीक है ना। ओवर ए टाइम पीरियड, यानी कि एक टाइम पीरियड, यानी कि हम टाइम ले लेंगे, एक महीना, दो महीना, एक साल का, उस बीच में वहां पर कितना मास इंक्रीज कर गया, ठीक है, ओके। आगे आते हैं, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेट और एनर्जी, ठीक है ना, इसकी यूनिट बन जाती है, या तो वेट ग्राम पर मीटर स्क्वायर है ना, पर एरिया है ना, मास पर यूनिट एरिया, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, उस मास से कितनी एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है, डेट इज किलो कैलोरी पर मीटर एरिया और पर यूनिट एरिया, क्लियर है। तो दो इसकी यूनिट हो गई, ध्यान रखना, ग्राम और एनर्जी के टर्म में। आगे आते हैं, अब क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ध्यान रखना, बायोमास बनने की दर को प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफरेंट थिंग, वो अलग है, और प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है। प्राइमरी प्रोडक्शन कितना मास बन गया, और प्रोडक्टिविटी रेट है ना, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, है ना, कितना मास बना पर यूनिट एरिया और रेट, तो ना टाइम से तो लेना ही पड़ेगा हमें, कितना कितना मास बना पर यूनिट एरिया, कितने समय में बना, है ना। रेट के लिए हमेशा हम किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से। किसी भी चीज को हम लोग रेट निकालने के लिए किससे डिवाइड कर देते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है, ओके। ये एनर्जी की बात करें तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर, टाइम से डिवाइड कर दिया। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, आप ध्यान रखना, प्रोडक्टिविटी मतलब एक साल में कितनी एनर्जी या कितना मास, क्लियर है, बना, ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस। अब इसको दो तरीके से और तोड़ा गया है, ठीक है, तो ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। बात समझ में आ रही है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी एनपीपी थोड़ा सा मैं मतलब समझा देता हूँ। मान लो प्लांट ने खाना बनाया और खाना जितना भी फोटोसिंथेसिस कर लिया, सारा उसका मान लो एक प्लांट था अट्ठा कट्टा, पूरे प्लांट का वजन मतलब खाना सब बना लिया, लेट 10 kg, उसका पूरा वजन कितना है 10 kg। इस 10 kg में से प्लांट को तो ग्रो करना है, तो कुछ अपने लिए भी तो खाएगा वो, मतलब जो खाना बनाया है अपने ऊपर भी इस्तेमाल करेगा, एनर्जी मिले। चलो मान लेते हैं इस 10 kg में से इसने 2 kg जो ग्लूकोज या शुगर उसके पास बनी थी वो उसने अपने ऊपर इस्तेमाल कर ली, तो कितनी बची रह गई, अब 8। तो जो बच गई ये 8, ये स्टोर हो जाती है, ये हमारे पास आती है जब हम लोग खाते हैं, बाकी जो उसने 2 इस्तेमाल कर ली वो इसके पास चली गई। तो ये थी मेरे पास ग्रॉस, टोटल उसने कितना बनाया, और ये था नेट, कितना बचा रह गया। तो ग्रॉस और नेट सैलरी भी ऐसी आती है ना, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी।
तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, आगे आते हैं। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ GBP इज यूटिलाइज बाय द प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। कह रहा है कंसिडरेबल, एक काफी अच्छा अमाउंट जो GPP का होता है यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 10 kg इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। वो एग्जाम्पल के तौर पर दिया था, अच्छा खासा अमाउंट खुद प्लांट भी। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, हम लोग रेस्पिरेशन करते तो हमारा फूड जो है बर्न होकर के हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, हमारी ग्रोथ में यूज हो रहा है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अच्छा खासा अमाउंट GPP में से प्लांट अपने ऊपर खर्च कर लेता है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस आर, हम इसको आर से दिखा रखा है, इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? तो जो लॉस मैंने दिखाया 2 kg जो उसने अपने इस्तेमाल कर लिया, वो किसके दौरान किया, उसने रेस्पिरेशन किया होगा, जो चैप्टर हम लोगों ने उसमें पढ़ रखा है ना प्लांट वाले चैप्टर में, प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन, ठीक है ना, उसके थ्रू उसने क्या किया, उसको ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लिया अपने लिए। तो GPP में से माइनस आर क्या निकला, NPP। तो याद रखेंगे NPP और GPP में क्या डिफरेंस है। ओके, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटरोट्रॉफ्स दैट इज हर्बिवोर एंड डीकम्पोजर्स। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ GPP और NPP में से कौन सा बायोमास अवेलेबल है इसके लिए, हेटरोट्रॉफ्स के लिए, तो NPP। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब क्या होता है, अच्छा हमने जो खाना जैसे प्लांट को खाया, हमारी बॉडी ने उसमें से कुछ और बना लिया है ना, हमारी बॉडी के अंदर कुछ और केमिकल्स की जरूरत होती है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर हम लोगों ने खाया प्लांट से, उसको हमारी बॉडी ने कुछ और बना दिया। डिफाइन एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। अब ग्लूकोज तो रहा नहीं हमारी बॉडी में, ग्लूकोज किसे बदल जाता है, ग्लाइकोजन में बदल जाता है, एक नया मैटर बन गया, एक ऑर्गेनिक मैटर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ध्यान रखना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जनरली क्या होता है, ग्लूकोज बनता है जो कि सक्रोज की फॉर्म में या स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, सक्रोज की फॉर्म में तो खैर ट्रांसफर होता है प्लांट्स के अंदर, बातें याद आ रही है ये, ठीक है। और फिर हमारी बॉडी जब ग्लूकोज खाती है प्लांट वाला, वो कुछ और रूप में से ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? चलें आगे। ओके, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी प्लांट स्पीसीज किस एरिया में है ना, ऑब्वियसली बात है, कैक्टस उतना ज़्यादा नहीं बनाएगा। जो एक छोटी सी जगह पे बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, तो वहाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कौन सी प्लांट स्पीसीज, डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग, इनहेबिटिंग मतलब जो वहाँ पर रह रही है। अब मान लो कहीं पे घास घास है तो उतना ज़्यादा नहीं बनेगा, कहीं पेड़ है तो वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे एक हैंग डाल लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पहला, उस एरिया में रहने वाली प्लांट की स्पीसीज, ठीक है, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, चौथा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, है ना, कुछ प्लांट बहुत अच्छी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होती है, जैसे कैम प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए हर इकोसिस्टम में ये सारी चीज़ें फैक्टर, प्लांट की स्पीसीज, एनवायरमेंट फैक्टर, न्यूट्रिएंट्स कितना है, फोटोसिंथेसिस प्लांट कैसी कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर जब अफेक्ट डालेंगे तो हर एक इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग हो जाएगी। क्लियर? अब कहानी खत्म यहां पर, अगली कहानी द एनुअल नेट, सालाना, अब सालाना की बात कर रहा है, एनुअल मतलब एक साल का, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेट 170 billion tons ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ये डाटा इसे नोट कर लेंगे, है ना, उठा के डाल दिया एग्जाम में तो हम क्या कर लेंगे उसके लिए, पूरे बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं, हमारे सबसे बड़ा इकोसिस्टम बायोस्फीयर, ठीक है ना, स्टार्टिंग बड़ा था। क्लियर है? ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सर्फेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियंस आर ओनली 55 billion। कह रहा है इसमें से, ऑफ दिस कौन सा, 170 billion ton में से, डिस्पाइट इसके बावजूद कि 70% जो सरफेस है किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, समुद्रों ने, जो हमारे सागर हैं ओशियंस, वो केवल 55 billion ton, 170 में से मात्र 55 billion tons ही प्रोडक्टिविटी में अपनी हिस्सेदारी दे पाते हैं, बाकी सारा जमीनी है।
रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड, बाकी सब किस पे है, लैंड पे है। डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन विद योर टीचर। ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या है, ओशियन में हमको बहुत अच्छी बात पता है, पीछे पड़ चुके हैं, लगभग सिर्फ 500 मीटर तक ही जो धूप होती है पानी के अंदर जा पाती है, उसके नीचे अंधेरा रहता है। तो 500 मीटर तक ही क्या रह सकते हैं, जो हमारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उसके नीचे नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, कहीं ना कहीं हम इसको समझ सकते हैं। तो ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं, ये हो गया हमारे किसके बारे में बातें, प्रोडक्टिविटी के बारे में। क्लियर है, प्रोडक्शन हो गया, नाउ डिकम्पोजिशन। यू मे हैव हर्ड, तुमने सुना होगा, ऑफ द अर्थवॉर्म बींग रेफर टू एज द फार्मर्स फ्रेंड। मार्क कर लेना इसको, बचपन की कहानी है ना, फार्मर के दोस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है ना, पत्तों वत्तों को जो खाते रहते हैं ये। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल। और सॉइल क्या होती है, काफ़ी लूज हो जाती है ना, मिट्टी खाते हैं जहाँ रहते हैं, मिट्टी खा खा के बाहर निकालते रहते हैं ये, तो वो सॉइल वहाँ काफ़ी लूज हो जाती है। तो लूज सॉइल और जब जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर थे जो अर्थ में डाले गए, मतलब वहाँ खेत में डाले गए थे, उनको भी तोड़ दिया सिंपल फॉर्म में, तो प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, ये रीज़न नोट करेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। अब सिमिलरली डिकम्पोजर्स, एक कहानी अलग खत्म कर दी अर्थ फॉर्म की। अब कह रहा है डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स कौन होते हमारे, फंजाई वगैरह होते हैं, ठीक है ना। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इंटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ध्यान रखना एक चीज यहाँ पे, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, ध्यान दें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भैया ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, कार्बन कंटेनिंग, वो टूट करके किसमें चले जाते हैं, कार्बन गायब हो जाती है, CO2 बन के निकल जाती है, बाकी बचता है क्या, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना। तो CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन, कैल्शियम, मतलब मिनरल्स वगैरह, वो सब चले जाते हैं मिट्टी में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब क्या कह रहा है, डेड प्लांट रिमेन्स मतलब जो प्लांट मर गया उसका जो बचा खुचा पार्ट है, जैसे कि टूटे हुए पत्ते, टूटी हुई टहनी, टूटा हुआ फ्लावर, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल, एनिमल जो सड़ रहा है, मर गया है, सड़ गल रहा है, इंक्लूडिंग फीकल मैटर, फीकल मतलब जो हमारी पॉटी वगैरह होती है जानवरों की, कॉन्स्टिट्यूट डेट्राइटस, ये वर्ड नोट कर लो, यानी कि जितना भी डेड और डिकेइंग मैटर है अर्थ के ऊपर उसको एक नाम दे दिया गया, क्या, डेट्राइटस। इसके अंदर सब कुछ आ रहा है देखो। अब डेट्राइटस में बच्चा डेड डिकेइंग से याद तो कर लेता है, बट देखो डेड याद कर लेगा और रिमेन्स याद कर लेगा, बट यहाँ पर एक चीज जो आ रही है, फीकल मैटर, ये बच्चा भूल जाता है, फीकल मैटर भी इसके अंदर ही है, ठीक है, यानी कि टूटा हुआ पौधा, प्लांट और मरा हुआ जानवर, ठीक है, साथ साथ में जो फीकल मैटर, पॉटी होगी जानवर की, गोबर हो गया, काउडंग हो गया, इवन जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है ना, वो सब क्या कहलाता है, डेट्राइटस कहलाता है, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज करने के लिए जो चाहिए फंगस को, वो यही सब चीजें तो है, मरे हुए जानवर, टूटे हुए प्लांट, ठीक है, फीकल मैटर, इन्हीं को क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले तोड़ेंगे, लीचिंग, लीचिंग को सिंपल भाषा में समझें कि जो मटेरियल तोड़ दिया ना, वो लीच रिस करके जमीन के अंदर जाएगा, डेट इज कॉल्ड लीचिंग। कैटाबॉलिज्म, फिर ये, अच्छा फ्रेगमेंट मतलब, अच्छा फ्रेगमेंट मतलब हो गया, पहले जो बड़े बड़े पार्ट थे, मान लो बड़ा सा पत्ता है, ये टुकड़ों में टूटेगा, ठीक है ना, लीचिंग होती है, मटेरियल जो जमीन में रिसेगा, देन कैटाबॉलिज्म, अब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, वो टूटेंगे छोटे में, ह्यूमिफिकेशन, अब ये क्या होता है अभी इसको दिखाते हैं हम, एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये चार जो स्टेप हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो इसकी हम लोग एक पिक देख लेते हैं, तो पिक देखते हैं इसकी हम लोग, ठीक है, शायद कुछ बच्चों को याद आए, और जो बच्चे कभी गाँव नहीं गए होंगे शायद वो इस पिक को देखकर भी ना समझ पाए। अच्छा कौन कौन बच्चे गांव गए हैं और ये याद आ रहा है, घूरा एक शब्द होता है, घूरा, घूरा सुना है तुम लोगों ने, तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे हाँ सुना है ना, तो घूरा जैसा शब्द है वो यही है, ये काली काली मिट्टी से देख रहे हो, यही तुम्हारा ह्यूमस है, ये क्या होता है, ह्यूमस है। कभी देखना खेतों में जगह जगह पर ढेर से काले काले डाल दिए जाते हैं,
तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब ये बनता कैसे है, आओ इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये ह्यूमस है ना, मतलब सबसे ज़्यादा सेहतमंद होता है पौधों के लिए। तो काली मिट्टी कभी खेतों में पड़ी हुई देखो इस टाइप की, तो समझ जाना क्या पड़ा हुआ है, ह्यूमस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखें जरा क्या बता रहा है ये। ओके, तो कह रहा है डेट्रीवर्स, डेट्रीवर्स जैसे हार्वीवर होता है वैसे कौन होते हैं, डेट्रीवर्स होते हैं। वैसे कौन होते हैं, डेट्रीवर्स यानी कि अर्थवर्म। ये तोड़ देता है डेट्राइटस को। अब डेट्राइटस क्या होता है, सैटर्न दिमाग में, इनटू स्मॉलर पार्टिकल, छोटे पार्टिकल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अब चाहो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्टेप लिख सकते हो। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, देन लीचिंग, ठीक है, देन कैटाबॉलिक, स्टेप नोट कर सकते हो। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। अब होता है क्या, ये तो टूट गए छोटे छोटे टुकड़ों में, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होता है, क्योंकि पानी तो होता ही है, वो क्या करते हैं, जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक, ध्यान रखना कौन सा है ये, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, गो डाउन इनटू द सॉइल, है ना, सॉइल हाइड्रोजन, यानी कि डाउन इनटू द सॉइल हाइड्रोजन। सॉइल हाइड्रोजन अब जहाँ पे सॉइल और एटमोसफेयर मिल रहा है उसके नीचे चले जाते हैं, ये हाइड्रोजन होता है ना, जहाँ पे दो क्षितिज जिसे कहते हैं मिलते हैं, ठीक है ना। एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट, ये मार्क कर लेंगे, ये जो चले गए सॉइल के नीचे और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, क्या हो गए, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ये प्रेसिपिटेट होता समझते हो ना, जो सॉइल रूप में चेंज हो जाते हैं, ये अनअवेलेबल रहते हैं, ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इंटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फर्दर आगे क्या हो रहा है, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से बैक्टीरिया फंगल एंजाइम जो होते हैं डिग्रेड कर देते हैं डेट्राइटस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कुछ चले गए नीचे, जो बचा हुआ उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तोड़ रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान रखना जितना वाटर सोल्यूबल था केवल वही गया नीचे, बाद बाकी बचा हुआ है वहां पर, तो ये मत सोचना सब चला गया। वाटर सोल्यूबल चला जाता है वो अवेलेबल नहीं है, जो वाटर सोल्यूबल नहीं था उनको आगे किसने तोड़ दिया, फंगस ने और बैक्टीरिया ने। बात समझ में आ रही है, आगे आते हैं। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्राइटस। ये सारे स्टेप जो हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ये एक साथ हो रहे होते हैं, यानी कि एक के बाद एक होंगे। थोड़ा फ्रेगमेंट हो गया उसी में से थोड़ा लीच हो जाएगा, उसी में थोड़ा कैटाबॉलिज्म, थोड़ा और फ्रेगमेंट होगा उसमें से भी लीच हो रहा होगा और उसमें से भी कैटाबॉलिज्म हो रही होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। अब क्या होता है ह्यूमिफिकेशन, मैंने ह्यूमस दिखाया तुम्हें, वो काली काली मिट्टी से जो थी, ठीक है, मिट्टी नहीं होती है, ह्यूमस होता है वो। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस, ठीक है ना, डार्क कलर्ड अमॉर्फस, ठीक है। तो काला कलर का जो अमॉर्फस, यानी कि हम कह सकते हैं जो क्या कहना चाहिए इसको, कि तो डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस। अमॉर्फस क्या होता है, अगर ट्वेल्थ में हो तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, है ना, हम लोग अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन नहीं होंगे ये, कोई शेप्स वगैरह नहीं होती है इनकी, अमॉर्फस होते हैं, मतलब पर्टिकुलर ये सॉलिड सब्सटेंस के अंदर काउंट नहीं होते हैं, कॉल्ड ह्यूमस। तो इसका डेफिनेशन याद रखना, डार्क कलर्ड अमॉर्फस, ठीक है, डेट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। इनके ऊपर माइक्रोब का एक्शन नहीं होते हैं, ये अंडरगो डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, बहुत धीमा इनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो ये सी कुछ प्रॉपर्टी हो गई ह्यूमस के, कैरेक्टर क्या क्या हो गए, डार्क कलर्ड अमॉर्फस, माइक्रोब का एक्शन नहीं है और बहुत स्लो रेट में इनका डिकम्पोजिशन होता है। अब ये कोलाइडल है, उम्मीद कर रहा हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5th सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया होगा, उसमें कोलाइडल का मतलब पता है ना, क्या होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्यूट का साइज 1000 नैनोमीटर से लेकर के, मतलब 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, सरफेस केमिस्ट्री याद आ गया, ठीक है, वही है कोलाइडल। बींग कोलाइडल इन नेचर, ये कोलाइडल होते हैं, ठीक है ना, कोलाइडल का एग्जाम्पल जैसे कि हमारा दूध है, कोलाइडल इन नेचर है, ये भी प्रॉपर्टी मार्क कर लेंगे। इट सर्व एज अ रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब भंडार, किसका, न्यूट्रिएंट का, ये न्यूट्रिएंट का भंडार होता है, ठीक है, जो काली मिट्टी में तुम लोगों को अभी दिखा रहा था ये न्यूट्रिएंट का भंडार है, ठीक है ना, ह्यूमस, अभी इसके अंदर खूब सारा न्यूट्रिएंट भरा हुआ है। अब देखो क्या होगा, आगे आते हैं, अच्छा उधर आगे बढ़ गए हम लोग। अब क्या कह रहा है, ये भंडार है ये, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड। अब जो ह्यूमस हमने तैयार कर लिया ना, ये इसको उठा करके हम कहाँ डाल देते हैं, खेतों में डाल देते हैं, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स का भंडार है,
जो अब ये फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऑकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। अब जब ह्यूमस का फर्दर ब्रेकडाउन होता है, उसके अंदर से जो भंडार है न्यूट्रिएंट्स का निकल करके खेतों की मिट्टी में जाता है, वो कहलाता है मिनरलाइजेशन। बात समझ में आई? तो देखो साफ साफ कह रहा है यहां पे दो बातें हो गई, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, है ना, बट फिर यहां पे बात उसने बोल दी है कहां गया, द ह्यूमस फर्दर डिग्रेड बाय सम माइक्रोब्स। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो उसको तोड़ेंगे। अब हाईली रेजिस्टेंट होता है सब नहीं तोड़ पाएंगे, कुछ खास तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो इसी का ध्यान रखना। एंड रिलीज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर क्या रिलीज कर रहा था, ह्यूमस के अंदर क्या निकलेगा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। क्लियर है, क्लियर है ना, पढ़ चुके ना न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब इनऑर्गेनिक तो था, तो कंफ्यूज नहीं करना कुछ भी। आगे आते हैं, डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। मार्क करेंगे इसको, यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होती है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद नहीं चाहिए होती, कंफ्यूजन हो जाती है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे। कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, डेट्राइटस के अंदर केमिकल कौन सा है, यानी कि ऐसे केमिकल ना हो कि माइक्रोब्स उसको तोड़ ही ना पाए, ठीक है। एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, एनवायरनमेंट कैसा है, ऐसा एनवायरनमेंट तो नहीं है बहुत ठंडा बहुत गर्म जहां हमारे माइक्रोब्स जो उसको तोड़ेंगे वो काम ही ना कर पाए इन अ पर्टिकुलर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, दो चीजें कंट्रोल कर रही है, केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेटिक फैक्टर। अब आगे क्या कह रहा है, इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर, कुछ खास क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन रेट स्लो होता है। इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन एंड क्विकर, इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर, ओके वर्ड वहां पर क्या था, खत्म हो गया। इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लेग्निन और काइटिन। ये कहानियां खत्म कर दी, देखो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर कुछ खास क्लाइमेटिक कंडीशन है और कंडीशन उसने नहीं बताई यहां पर, फिलहाल क्या कह रहा है, अगर डेट्राइटस जो सड़ी गली चीजें हैं उसके अंदर लेग्निन और काइटिन पाया जाएगा तो रेट स्लो हो जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन की अभी बात नहीं की उसने, कंडीशन नहीं दी, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, क्विकर इफ, बहुत तेज होगा अगर डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस लाइक सुगर। मार्क कर लेंगे, डेट्राइटस जो था सड़ी गली चीजें थे उनके अंदर ये दो चीजें होंगी तो रेट स्लो हो जाएगा और ये चीजें होंगी तो रेट फास्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट द डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। ओके, दो बातें बता दी उसने, इसीलिए यहां पर उसने क्लाइमेटिक कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो यहां बता रहा है। क्या कह रहा है, दो बातें आ गई, क्लाइमेट और मॉइस्चर और सॉइल का मॉइस्चर, ये दोनों मार्क कर लेंगे, क्लाइमेट और सॉइल मॉइस्चर। अब क्या कह रहा है, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, मार्क कर लेंगे इसे। अब एनवायरनमेंट की बात करी, यहां पे ना करके यहां कर रहा है, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन वेयर एज लो टेम्परेचर एंड एनएरोबिसिस इनहिबिट द डिकम्पोजिशन। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा और टेम्परेचर कम होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, रिजल्ट इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसकी वजह से क्या होगा, डिकम्पोजिशन रुक जाएगा। जो भाई ऑर्गेनिक मटेरियल है ना हमारी बॉडी में टूट रही होती है ऑर्गेनिक मटेरियल, वो धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, टूटेगा तो है नहीं तो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इतनी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन दे रखी है डेट्राइटस के अंदर क्या होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होनी चाहिए डिकम्पोजिशन की, ठीक है। मिनरलाइजेशन ध्यान रखना, ह्यूमस का डिग्रेडेशन है मिनरलाइजेशन, तो छोटी छोटी बातें पकड़नी है हमको यहाँ पर, इसीलिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। चले आगे, तो ये अपना ह्यूमस, आगे आते हैं एनर्जी फ्लो, तो वो पार्ट वहां खत्म हो गया डिकम्पोजिशन, नाउ द फोर्थ पार्ट एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो ये जो चार पॉइंट थे हमारे पास इकोसिस्टम के, उसको हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं क्या है। तो एनर्जी फ्लो में क्या बोल रहा है वो हमसे, आओ देखते हैं इसको हम लोग। तो कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, अगर हम लोग डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दें क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गर्म होता है, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम, यानी कि डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में
सन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है। देखो मार्क कर लो, साफ साफ कह दिया उसने, अगर हम डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम छोड़ दें, ठीक है ना, वहाँ पे हीट कहीं और से आ रही है, सन की वजह से हीट नहीं आ रही है, बाद बाकी हर जगह जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन है, सन है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट, तो यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन हमें दिमाग में रखना है, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सन नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया में कहीं पर सोर्स ऑफ एनर्जी अगर सन नहीं है तो वो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसकी डिटेलिंग अपने कोर्स में नहीं है, सिर्फ इसको मार्क करके लिख लेना यहाँ पर कि ऐसा कुछ है, ठीक है। कह रहा है ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट, जितनी सोलर रेडिएशन इंसिडेंट टकरा रही है, लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, 50% से भी कम रेडिएशन ऐसी होती है जो फोटोसिंथेसिस करवाती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये डाटा हो गया, सन से आने वाली 50% से भी कम रेज ऐसी हैं जो फोटोसिंथेटिक करवाती हैं। वी नो डैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है, फोटोसिंथेसिस में हमने सीख लिया कि सन से आने वाली एनर्जी को क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्लांट फिक्स करते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से क्या बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं। अब यहाँ पे और आगे आते हैं, प्लांट्स कैप्चर ओनली 2-10% ऑफ द पार, ये है देखो पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, टोटल रेडिएशन का भी 50% से कम है, उसमें से भी केवल 2-10% ही ये कैप्चर कर पाते हैं, कौन, प्लांट, बाद बाकी सारा वेस्ट इन द सेंस अर्थ में इधर उधर हीट पैदा करता है और तमाम चीजों में चला जाता है। तो ये डाटा नोट करेंगे, प्लांट केवल पार का 2-10% ही कैप्चर कर पाता है, एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, यही इतनी सी एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट फ्लोज थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो ये जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट, सोलर एनर्जी कैसे कैप्चर की जाती है प्लांट के द्वारा, फ्लो करती है थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम, और वो एनर्जी फ्लो होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म से होती हुई। आगे क्या कह रहा है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमें पता है हिरण डायरेक्ट खाएगा पत्ते को, शेर हिरण को खाएगा जो कि हिरण के पास से एनर्जी लेगा, और हिरण के पास एनर्जी कहाँ से आई है, प्लांट से आई है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब लोग किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट्स। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, ये पहले भी हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में, एनर्जी का फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर। वहां हमने पढ़ा था ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से, यहां पढ़ रहे हैं सन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब पूछ रहा है क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो आंसर देंगे आप लोग कि है या नहीं है, ठीक है, ये तुम लोगों का होमवर्क है, इसको चेक करेंगे, सिंपल है, पढ़ रखी है थर्मोडायनेमिक्स, नहीं पढ़ रखी है, अगर जिन बच्चों ने पढ़ रखी है उनको समझ में आ रहा हो, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी यार भूल गए हैं तो रिवाइज करें और फिर इसका आंसर दें, मजा आएगा, ठीक है। आगे आते हैं, फर्दर इकोसिस्टम्स आर नॉट एक्सेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो कह रहा है इकोसिस्टम हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं बचा, एक्सेम्प्ट मतलब कोई चीज किसी चीज से अछूती हो, तो यानी कि यहां पे भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लग जाता है, दैट इज दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइनेस, याद है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है बच्चों तुम लोगों को, किस किस को याद है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद आया, डेल्टा एस एंट्रोपी है ना, कोई भी चीज अगर स्पॉन्टेनियस हो रही है तो वो एंट्रोपी की तरफ बढ़ रही है, डिसऑर्डर लाइननेस, ये बात समझ में आ रही है, चलो इसको देख लेते हैं हम लोग, तो कह रहा है फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एक्सेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि ये इकोसिस्टम स्पॉन्टेनियस है, अपने आप चल रहा है, तो सेकंड लॉ यानी कि किसकी तरफ बढ़ रहा होगा, एंट्रोपी की तरफ बढ़ रहा होगा, दे नीड ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि अगर एंट्रोपी की तरफ बढ़ रहा है तो इसको लगातार एनर्जी चाहिए टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइननेस,
जो ये लगातार एंट्रोपी की तरफ बढ़ रहा है उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या चाहिए होगा, इसे लगातार इनपुट चाहिए होगा, वरना ये एटमॉस्फेयर हमारा जो बायोस्फेयर है ये खत्म हो जाएगा। यही तो है एंट्रोपी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। अगर 11th का है ये, क्लियर, ओके। आगे आते हैं, द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीनी, मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहां पर जो मेजर हमारे पास प्रोड्यूसर है वो कौन हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगे भाई, हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट है ना, तो कह सकते हैं हर्ब और ट्री। लाइकवाइज प्रोड्यूसर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीसीज लाइक फाइटोप्लांकटन, एल्गी एंड हायर प्लांट। और इसी तरह एक्वाटिक में भी कौन होंगे, वो वाली स्पीसीज होंगी जो क्या है, फाइटोप्लांकटन कहलाएंगी, या एल्गी होंगी या हायर प्लांट होंगी, क्लियर है, ओके। अब कह रहा है यू हैव रेड अबाउट द फूड चेन, तुम किसके बारे में पढ़ चुके हो, फूड चेन एंड वेब के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा टफ यहाँ पे भी नहीं है। दे एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट और प्रोड्यूसर, फूड चेन आर रेदर वेब, फूड चेन कहो या वेब कहें, आर फॉर्म्ड सच दैट एन एनिमल फीड्स ऑन अ प्लांट और ऑन अनदर एनिमल एंड इन टर्न इज फूड फॉर अनदर एनिमल। तो फूड चेन या फूड वेब क्या है, जो एनिमल प्लांट को खा रहा है वो बदले में खुद किसी और का भोजन बन जा रहा है, खेल खत्म है ना। सच डेट एन एनिमल फीड्स ऑन प्लांट, जो प्लांट को फीड करता है और ऑन अदर एनिमल या किसी दूसरे जानवर को खाता है, एंड इन टर्न बदले में वो खुद खाना बन जाता है दूसरे का, इन टर्न फूड फॉर अनदर, बात क्लियर होगी। द चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी, ये जो एक दूसरे के ऊपर खाने के लिए निर्भर है हम लोग है ना, इसी वजह से फूड चेन या वेब प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है। No energy that is trapped into an organism remains in it forever. कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रैप हुई है वो हमेशा के लिए उसके अंदर रह जाए। The energy trapped by producer hence is either passed on to a consumer or to the organism dies. Or the organism dies. कह रहा है therefore the energy trapped by the producer, जो एनर्जी ट्रैप की गई प्रोड्यूसर के द्वारा, hence is either passed on to the consumer or the organism dies. वो पास हो रही है, ठीक है ना, कंज्यूमर के पास, या जो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, ठीक है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगनिंग ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन, मार कर लेंगे, जो डेथ होती है ना कि जो मर जाएंगे उसके तो डेट्राइटस खाएंगे, ठीक है ना। आगे आते हैं, ऑल एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फिर वही बात कर दी उसने, फॉर देयर फूड नीड्स दे आर हैंस कॉल्ड कंज्यूमर, हमको पता है प्रोड्यूसर के बाद कौन आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, एंड ऑल्सो हिट्रोट्रॉफ, इनको हम कंज्यूमर ही बोलते हैं और हिट्रोट्रॉफ से बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। इफ दे फीड है ना, इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर, अगर ये प्लांट को खाते हैं तो हम इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, एंड इफ द एनिमल्स ईट द अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट और द प्रोड्यूसर दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। जो प्लांट को खाते अगर उनको कोई खाएगा तो उनको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर बोल देंगे। लाइकवाइज इसी तरह यू कुड हैव टर्शरी कंज्यूमर, तो हम लोग देखो ऐसा कह सकते हैं, सबसे नीचे प्रोड्यूसर, उसके ऊपर जो हार्बीवर है वो क्या हो गए, वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। हार्बीवर को कौन खा रहा है, मान लो ये है खरगोश है या हिरन है, उसको किसको, उसको खा लिया किसने, सपोज फॉक्स ने खा लिया, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। फॉक्स को लायन ने खा लिया, ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर, है ना। तो इस तरह से हम लेवल को बढ़ाते चले जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, क्लियर है, ओके। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हार्बीवर, जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो कौन होगा, हार्बीवर, ये नोट करना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले खाने वाले कौन होते हैं, हार्बीवर होते हैं। सम कॉमन हार्बीवर्स आर इंसेक्ट, बर्ड्स एंड मैमल्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मोलस्क इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये पक्का नोट करें, हार्बीवर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज मोलस्क, क्लियर है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है, द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हार्बीवर्स आर कार्निवर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवर, ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा वो कौन कहलाएंगे, कार्निवर कहलाएंगे, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवर। तो देखो जरा गौर से समझना, प्रोड्यूसर देन हार्बीवर आर प्राइमरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कार्निवर है, प्राइमरी कार्निवर आर सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, ओके।
those animals that depend on primary carnivore for food are labeled as secondary carnivore. ये मेरे पास जो tertiary consumer है ये secondary carnivore है. थोड़ा सा confusing लगता है बच्चों को ये, but जरूरी है. secondary carnivore, tertiary consumer, primary carnivore, secondary consumer, primary carnivore, herbivores. ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल बाकायदा. मैंने तो थोड़ा गंदा सा चार्ट बनाया, तुम लोग अच्छा सा बनाना, है ना? इस टाइप से ये प्रोड्यूसर हार्बीवर, फॉक्स लिख लेना, लाइन लिख लेना, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर. जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हार्बीवर, ये प्राइमरी कार्निवर और ये सेकेंडरी कार्निवर. तो यहाँ बच्चों को थोड़ा सा सेकेंडरी प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है. क्लियर है? सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवर, टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कार्निवर. क्लियर है? आगे आते हैं. ठीक है. अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन, चरने वाला, ग्रेजिंग मतलब घास चरने वाले की फूड चेन. देखें जरा, ग्रास को प्रोड्यूसर ने बनाया, गोट बकरी ने खाया, उसको आदमी ने खा लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया ना, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर. क्लियर है? आगे आते हैं. द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर. अब यहाँ पे वो वाली फूड चेन किसकी थी? ग्रेजिंग फूड चेन थी. और यहाँ पर उसने किसकी बात कर दी है? डेट्राइटस फूड चेन की. किसकी बात कर दी है? डेट्राइटस फूड चेन की. बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, कहाँ से शुरुआत होती है ये? मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से. इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर विच आर द हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. डिकम्पोजर भी क्या है? हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है. मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया. डिकम्पोजर में मेनली कौन आते हैं? फंगस एंड बैक्टीरिया. दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस. वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से लेते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे? तोड़ देंगे. दीज आर ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉफ, है ना? सेप्रो टू डिकम्पोज, ठीक है ना? सेप्रो का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज. इसलिए हम लोग इसको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं. अब कहो क्या कर रहा है डिकम्पोजर? अच्छा, डिकम्पोज का काम कैसे करते हैं? सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स डैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इंटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम. यानी कि देखो, बैक्टीरिया और फंगस, दांत तो है नहीं उनके चबाएंगे, तो ऐसा समझ लेते. तो मान लो ये सड़ा गला कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है? अब क्या होगा? इसके ऊपर मान लो ये फंगस है, इसने क्या किया? इसके ऊपर अपना लिक्विड छोड़ दिया. तो इतना हिस्सा जो सॉलिड वाला पार्ट है ये किसमें बदल जाएगा? लेट ब्लू कर लेते हैं, ये लिक्विड बन गया, ये इतना हिस्सा गल गया, पानी ऐसा हो गया. अब ये बैक्टीरिया इसको सोख लेगा अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लेगा. ये प्रोसेस बात समझ में आई? इसने अपने अंदर से क्या छोड़े? एंजाइम. ये क्या छोड़े इसने अपने अंदर से? एंजाइम. यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ, इसने डाइजेस्ट बाहर किया और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया. बात समझ में आई? क्लियर है? तो सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द डेड एंड वेस्ट मटेरियल, ये डेड एंड वेस्ट डिकम्पोज किया और इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर सब्सिक्वेंटली, जो आगे जाके एब्जॉर्ब बाय द. अच्छा, एब्जॉर्ब करने के लिए उन्हें लिक्विड फॉर्म में आना पड़ेगा ना, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. आगे देखते हैं. इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अब ये डेट्राइटिस हो गया, अब एक्वेटिक की बात चालू कर दी, ठीक है? जीएफसी इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो, ठीक है? तो व्हाट इज जीएफसी? व्हाट इज जीएफसी? ग्रेजिंग फूड चेन. जीएफसी का मतलब ग्रेजिंग फूड चेन. तो कह रहा है एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंड्यूट फॉर, कंड्यूट मतलब कंडक्ट करती है, फॉर एनर्जी फ्लो. एज अगेंस्ट दिस इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन. देखो ये बात को समझना, ये थोड़ा सा बच्चों को अब यहां कंफ्यूज करता है. एक्वाटिक में क्या है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो मेजर क्या है, कॉज है एनर्जी फ्लो का, और वहीं पर टेरेस्ट्रियल में जो मेजर कॉज है एनर्जी फ्लो का कौन है? डेट्राइटस है. ऐसा क्यों कहा गया है? फॉरेस्ट से समझने की कोशिश करते हैं. अगर जो चीज़ मर गई है, सड़ गल के वापस मिट्टी में नहीं मिलेगी, तो साइकिल हमारी रुक जाएगी. तो कहीं ना कहीं ये एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर कौन है? डेट्राइटस फूड चेन हमारा मेन लिंकअप है, जो फाइनली एक बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दे रही है. इसी तरह ग्रेजिंग फूड चेन में कौन है, सॉरी एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन आ रहा है? ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है ना? तो आगे आते हैं.
डेट्राइटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल. क्या ना, डेट्राइटस फूड चेन कुछ कुछ लेवल पे, अब यहाँ पे फूड वेब की बात होने वाली है, कुछ कुछ लेवल पे डेट्राइटस फूड चेन मतलब सॉरी डेट्राइटस फूड चेन कनेक्ट होती है ग्रेजिंग फूड चेन से कुछ कुछ लेवल पर. सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डेट्राइटस फूड चेन आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल. प्रे मतलब शिकार और प्रीडेटर मतलब शिकारी. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं डीएफसी के, इनके अर्थवर्म को कौन खा लेती है, बर्ड खा लेती है ना, या मेंढक खा लेगा, कौन खा लेगा, मेंढक खा लेगा, ठीक है. एंड इन इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल लाइक कॉकरोचेस क्रोस एटसेट्रा आर ओमनीवोर्स, ठीक है ना. तो कई बार ये क्या होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, यानी कि ये क्या खाएंगे, प्लांट भी खा लेंगे और एनिमल भी खा लेंगे. दिस नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट अ फूड वेव. तो अल्टीमेटली बताने की कोशिश कर रहा है कि फूड वेव हमारा कैसे क्रिएट हो रहा है. हाउ वुड यू क्लासिफाई ह्यूमन बींग, वो प्लांट भी खाता है एनिमल भी खा लेता, तो ये क्या हो जाएगा, ओमनीवोर हो जाएंगे, जो दोनों खाते हैं. क्लियर है, ठीक है. तो ध्यान रखना, एक्वाटिक में मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो कौन कर रहा है, जीएफसी, और टेरेस्ट्रियल में कौन है, डेट्राइटस फूड चेन. आगे आते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग में या नेचुरल सराउंडिंग में अपनी जगह किस तरीके से एक्वायर करता है, यानी कि हम लोगों ने दी उसको, नो डाउट. तो हम लोग क्या देखते हैं, उसका फीडिंग रिलेशनशिप क्या है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ. मार्क कर लेना, क्वेश्चन है, हाउ ए ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग और इन कम्युनिटी अकॉर्डिंग देयर फीडिंग रिलेशनशिप, ठीक है. आगे आते हैं, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड. उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और फूड क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल, जिसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हार्बिवर प्राइमरी कंज्यूमर टू द सेकंड, एंड कार्निवर सेकेंडरी कंज्यूमर टू द थर्ड, ठीक है. वही सारी बातें जो मैं बताई थी यहाँ पे, तो आओ देख ले जा रहे हैं यहाँ पर क्या है. प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हार्बिवर, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवर, ये टॉप कार्निवर आ गए. इसमें कौन कौन आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज, जूप्लैंक्टन, ग्रास हॉपर, ठीक है. ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जस्ट इसको देख लो, ट्रॉफिक लेवल है. आगे आते हैं, अब क्या कह रहा है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. अब यहां पे नेट सिस्टम उसने स्टार्ट कर दिया है, एनर्जी की बातें स्टार्ट कर दी. कह रहा है एनर्जी हर लेवल पे डिक्रीज करती है, ठीक है ना, हर ट्रॉफिक लेवल. अब देखो ट्रॉफिक लेवल की बातें स्टार्ट हो जाएंगी, डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. तो कहना चाह रहा है कि जितनी एनर्जी प्लांट ने ली थी, ठीक है, यहाँ पर आगे मान लो इसके पास 100 एनर्जी है, इसके पास पूरी 100 नहीं जाती है, कुछ कम हो जाती है, ठीक है. क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी. तो इसका भी एक लॉ है, 10% लॉ, जब आगे आने वाला है कि कितनी एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है. आओ देखें, When any organism dies, it is converted to detritus or dead biomass that serve as an energy source for decomposition. ठीक है, लाइन वही रिपीट कर दी. ऑर्गेनिज्म एट ईस्ट ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट लोअर ट्रॉफिक लेवल. हर एक ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड है किसके लिए, लोअर ट्रॉफिक लेवल पे, फॉर देयर एनर्जी डिमांड. उनकी जो एनर्जी की डिमांड है उसके लिए वो अपने से नीचे वाले के ऊपर डिपेंड है. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्रिएट होगा आगे जा करके, ठीक है. ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल. हर एक ट्रॉफिक लेवल में लिविंग मैटर का कुछ मास है, जिसे हम बायोमास कहते हैं. एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी खास पर्टिकुलर टाइम पे, कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप. अच्छा, अब यहाँ पर एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, पर ईयर कितना बना था उसको बायोमास वगैरह नाम से हमने किया था. अब कह रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, मैंने देखा कि इतना है ना, एक हेक्टेयर में कितना मास है, तो उसको कितना लिविंग मटेरियल है उसके अंदर सब कुछ काउंट हो जाएगा, मैन एनिमल मतलब प्लांट एनिमल सब कुछ, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप. किसी पर्टिकुलर टाइम पर जिस एरिया को मैं सर्वे कर रहा हूँ वहाँ पर कितना लिविंग मटेरियल है, उस मास को, मास ऑफ लिविंग मटेरियल को क्या कहेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप. द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन अ यूनिट एरिया, ठीक है ना. लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास कितना है, या हम लोग उनकी काउंटिंग कर लेते हैं, कितने पेड़ हैं उससे आइडिया लगा लेते हैं, कितने जानवर हैं, इन सब लेकर के कि उस पर्टिकुलर टाइम पर कितना बायोमास अवेलेबल है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोल देते हैं. कैसे काउंट करते हैं, या तो उसके मास से या उसके नंबर से. द बायोमास ऑफ स्पीसीज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट. हम लोग उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह बताएंगे, या तो फ्रेश
टोटल कितना है, या ड्राई वेट, यानी कि उसके अंदर से हम लोग क्या कर देंगे, जो हमने तरीका अपनाया था प्लांट के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर फालतू जो पानी वगैरह उड़ा देंगे और ड्राई वेट उसका जो बचेगा उसके हिसाब से काउंट करते हैं, ठीक है। ये सारा लैब वर्क होता है, उसके हिसाब से छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके हिसाब से पूरा एक आइडिया लगाते हैं हम लोग। ऐसा तो है नहीं ना कि पूरे एरिया को जला के राख कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो लैब वर्क होता है, वहीं छोटे से लैब वर्क करके हम लोग छोटे एरिया का एक बड़े का आइडिया लगाते हैं। तो इसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप में बायोमास को काउंट किया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग फ्रेश वेट या ड्राई वेट के टर्म में। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, ये हमको ही पता है ना, प्लांट वाले चैप्टर में हम लोग जो न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर था वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश वेट होता है उसमें पानी भी होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ड्राई वेट में पानी हमारा हट चुका होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो, कह रहा है कि अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा और तीसरा, जो फूड ग्रेजिंग वाला है ना, यहाँ पर जो ट्रॉफिक लेवल है हद से हद 3 तक जाता है, इसके ऊपर नहीं बढ़ता है ना। जैसे कि मैं तुमसे कहूँ कि चलो इसको बढ़ा लेते हैं, कैसे बढ़ जाएगा, ये प्लांट आ गया, प्लांट को किसने खाया, लेट गॉट ने खाया, गॉट को किसने खा लिया, मान लिया चलो फॉक्स को, फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को किसने खा लिया, फॉक्स को हम लोग ले लेते हैं कि लेट लॉयन ने खा लिया, लॉयन को किसने खा लिया, लॉयन, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर यहाँ पर कोई है नहीं, मान लेते लॉयन को, लेट एग्जाम्पल एक कोई बड़ी स्पीसीज है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 इतने बड़े लेवल पे ट्रॉफिक लेवल नहीं होते हैं। क्वेश्चन है ये कि आखिरकार 5, 6, 7 लेवल्स क्यों नहीं होते हैं, हद से हद 3 रहेंगे, ऐसा क्यों, 3 के आगे ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं पाया जाता है। तो वही कह रहा है, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड है एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ रीजन, फॉलो 10% लॉ। क्यों 10% लॉ फॉलो होता है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, मात्र 10%। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहां पर कितनी है, 100 जूल एनर्जी है, तो 10% यहां जाएगी तो कितनी, 10 जूल, इसका भी 10% यहां जाएगी तो कितनी, 1 जूल, अब 1 जूल का जाएगा तो 0.1, अब ये 0.1 जूल एनर्जी से सर्वाइव नहीं कर सकता, ये बात समझ में आ रही है, एनर्जी चाहिए होती बहुत ज्यादा, तो वहां पहुंचते पहुंचते एनर्जी बहुत कम रह गई, उतनी एनर्जी पर्याप्त नहीं है कि फोर्थ लेवल का जो एनिमल है वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है ना। तो कह रहा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईस्ट ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल्स, ठीक है, नेचर में पॉसिबल है कि कई सारे लेवल्स हो, प्रोड्यूसर, हार्वीवर, प्राइमरी कार्निवर, सेकेंडरी कार्निवर इन द ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, नेचर में ऐसा पॉसिबल है कि कई सारे हो सकते हैं, क्योंकि अब हम तो कह सकते हैं ना कि हाँ चार खा लेगा तो जिंदा रह लेगा, वो एक अलग बात हो गई। यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि मैक्सिमम अगर लगातार चलेंगे तो मैक्सिमम कितने मिलेंगे हमको, 3 लेवल मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे बताना चाह रहा है कई सारे लेवल हो सकते हैं, सूरज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्लांट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, हार्वीवर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, टॉप कार्निवर आ गए, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ये मर जाएंगे तो डेट्रीवर, हीट में लॉस, मर जाएंगे तो डेट्रीवर, मर जाएगा तो डेट्रीवर खाएगा, मर जाएगा डेट्रीवर खाएगा, हीट लॉस। तो कह रहा है कई सारे लेवल हो सकते हैं, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, तो एनर्जी फ्लो थ्रू द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, तो कह रहा है कई सारे लेवल से एनर्जी फ्लो होती है और हीट का लॉस होता रहता है। तो यहाँ पर उसने बात सीधी सीधी बोलती है कि जो हमें समझनी है कि बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल नहीं होते हैं, जो जनरल रहता है वो मैक्सिमम कितना रहता है, 3 तक रहते हैं। इसका जिक्र भी एनसीईआरटी यहाँ पे नहीं कर रहा है, उसने केवल एक ही बात बोली है, नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल इन फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड, कितने नंबर है वो रेस्ट्रिक्टेड है, उसका जिक्र नहीं किया कितने हैं, जनरली 3 तक रहता है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए यहाँ पर तो वो 4 दिखा रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 4 लेवल है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब चलेंगे कि इसके आगे लेवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो अगला लेवल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, आगे आते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब पिरामिड की बात करने वाले हैं हमारे पास, मैंने क्या कहा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हमने पढ़ ली, और उसमें एक पिरामिड जैसी चीज भी कोई होती है, यानी कि हम लोग इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस स्टडी में एक टर्म और आया था हमारे पास, क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड, क्लियर है। क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, तो आओ देखें, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड, पिरामिड शेप सबको पता ना, ऐसा होता है, द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड, चौड़ा होता है काफी, एंड इट नैरो टुवर्ड्स द एपेक्स,
एपेक्स मतलब कुन्ने पे जाएंगे तो पतला हो जाता है ये. वन गेट्स अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. कह रहा है इसी टाइप का शेप मिलेगा अगर तुम लोग क्या एक्सप्रेस करो, फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के बीच में फूड और एनर्जी की रिश्तेदारी बैठा हो तो यही शेप मिलेगा. चलो सबसे पहले यही देख लेते हैं हम लोग, एनर्जी वाली बात कर लें. तो हमने देखा ना एनर्जी ऊपर जाते जाते कम होती जा रही है, तो सबसे नीचे एनर्जी बहुत ज्यादा थी, फिर कम फिर कम फिर कम, तो क्या क्या शेप बना, तिकोना शेप बना. तो बस यही है, ठीक है ना, यही है पिरामिड जो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं. तो हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड. जब इकोलॉजिकल में पिरामिड मिलेंगे तो हमको नीचे वाली चीज बहुत ज्यादा होती है, ऊपर वाली चीज बहुत कम होती है. आओ देखें और क्या बातें बता रहा है ये. ओके, अब क्या कह रहा है, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. तो ठीक है, कह रहा है अलग अलग शेप मिलेंगे हमें अगर हम रिश्तेदारी देखते हैं ऑर्गेनिज्म की. दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर. अच्छा, ये रिलेशनशिप हम कैसे देख सकते हैं, नंबर के टर्म में देख सकते हैं, बायोमास के टर्म में देख सकते हैं और एनर्जी के टर्म में. एनर्जी के टर्म में अभी मैंने दिखाया कि सबसे नीचे सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर प्रोड्यूसर के पास कम पहुंचती है, फिर कम पहुंचती है. ऐसे नंबर की और बायोमास की एनर्जी सबकी बात कर लेते हैं बारी बारी से. आओ समझते हैं, नंबर की बात करें सबसे पहले अगर, तो क्या कह रहा है, तो देखो हमको पता है अगर नंबर की बात करें, प्रोड्यूसर ले लें तो प्लांट दुनिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर हार्वीवर की बात करें तो वो कम है, देखो एक डाटा भी दे रखा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इतने हैं, फिर ये कम फिर ये कम फिर ये कम. सेकेंडरी कंज्यूमर और कम, टर्शियरी कंज्यूमर और कम, तो शेप क्या बन गया, ये पिरामिड का बन गया. क्लियर है, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. अच्छा, किसका दे रखा है ये, ग्रासलैंड का, क्योंकि नंबर का थोड़ा सा खेल हो जाता है. क्या खेल हो जाता है, आओ देखें जरा, ये देखो पिरामिड ऑफ बायोमास. बायोमास में भी क्या है? हमको पता है सबसे नीचे क्या होंगे, प्रोड्यूसर, प्लांट्स वगैरह ले लें अगर हम लोग तो सबसे ज्यादा, देन हार्वीवर और कम और कम और कम, ये भी क्या बना, ये बन गया, ठीक है. ओके, अब थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग. देखो ये थी जनरल बातें नंबर का, और जब हम लोग किसका देख रहे हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, हमको कैसा मिल रहा है, सीधा सीधा पिरामिड मिल रहा है. वहीं पे अगर हम यहाँ आ जाए, इन्वर्टेड पिरामिड, ऐसा भी कहीं मिल सकता है. बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन. तो क्या कह रहा है यहाँ पर, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन. अगर हम एक्वाटिक में चले जाएं, कहाँ, पानी में, तो किसकी बात करें हम लोग, मास की बात करें, बायोमास की बात कर रहे हैं, जो अल्गी होती हैं या जो फाइटोप्लैंक्टन है वो बहुत कम है. मास वाइज बात करें, अल्गी को बड़ी मछली खाएंगे, उससे और बड़ी मछली खाते हैं और बड़ी मछली खाते हैं, जो बड़ी बिग फिश होंगी उनका मास ले लिया जाए और आल्गी का मास ले लिया जाए तो इनका मास ज़्यादा निकलेगा और आल्गी का मास कम निकलेगा. तो ये पिरामिड कैसा होता है, उल्टा हो जाता है, नीचे कम है और ऊपर ज़्यादा है. तो यस, पिरामिड इन्वर्टेड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड भी कहते हैं. कहाँ पाया जाएगा ये, एक्वाटिक में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में. अगर हम बायोमास को कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर कर रहे हैं, बायोमास को, ठीक है, तो बायोमास आल्गी का कम है, बिग फिश का ज़्यादा है. तो आप जरा देख लें, इस पेज में थोड़ी थ्योरी रह गई थी उसको भी कवर करें. तो क्या कह रहा है, द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट द टर्शरी और टॉप ट्रॉफिक लेवल. द थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दैट्स आर यूजली स्टडीड आर पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. तीन टाइप के पढ़ते हैं, नंबर का, बायोमास का और एनर्जी का. तो हमने यहां देखा नंबर के लिए पिरामिड ऑफ नंबर किसमें है, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सीधा सीधा पिरामिड है, ठीक है. पिरामिड ऑफ बायोमास किसमें देखा हम लोगों ने, ये इस नॉर्मल दे रखा है, ठीक है, ड्राई वेट यानी कि ट्रॉफिक लेवल. हमारे पास ये कौन सा होगा, टेरेस्ट्रियल कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर. पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक है ना, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन. तो ये किसके लिए है, एक्वाटिक का बायोमास का पिरामिड है, उल्टा हो गया. क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, सॉरी, ये पिरामिड मैंने उल्टा बना ये कर दिया. ये पिरामिड कैसा बन रहा है, उल्टा, इस टाइप से उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड. क्लियर है, आगे आते हैं, ठीक है. बात करें किसका है, एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी. एनर्जी का हमेशा ही कैसा बनेगा, सीधा पिरामिड बनेगा, चाहे कहीं ले लो, है ना. तो एनर्जी का पिरामिड, क्योंकि एनर्जी 10% लॉ को हर जगह फॉलो करेगा,
तो इसका पिरामिड ऑलवेज 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 अपराइट, इसका मतलब क्या होता है, सीधा सीधा बनेगा ये, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है, हम लोग यहां देख सकते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा बना, पिरामिड ऑफ नंबर भी उल्टा बनता है। देखे जरा यहां पे एग्जांपल दे रखा कि नहीं दे रखा, केवल पिरामिड ऑफ एनर्जी एक ऐसा पिरामिड है जो हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है। ओके, तो पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर लें, अगर हम लोग नंबर्स में बार ये हमारे पास क्या था, पीछे बायोमास का उल्टा था, नंबर की बात कर लें हम लोग जरा, नंबर में क्या करना, हमें एक केवल एक प्लांट एक वो ले लें, बड़ा सा पेड़, क्या ले लें, बड़ा सा पेड़ ले लें। तो बताओ प्लांट, ये पेड़ क्या है, प्रोड्यूसर है, इसकी संख्या एक, इसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स, संख्या बढ़ गई, बर्ड्स के ऊपर उसके पैरासाइट, हर एक बर्ड्स में 10-10 पैरासाइट मान लो, 5-5 पैरासाइट मान लो, जैसे कि हमारे बॉडी में जुए लिख मान लो, नंबर वाइज बात चल रही है, तो क्या हो गया, और तो ये नंबर कैसा आ गया, उल्टा आ गया। तो पिरामिड ऑफ नंबर अगर एक सिंगल ट्री की बात करूंगा तो उल्टा हो जाता है, और पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वाटिक की बात करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ बायोमास सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं, बट एनर्जी का हमेशा कैसा रहेगा, सीधा सीधा पिरामिड बनता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, आओ देखिए आगे। अब कह रहा है एनी कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स एट दैट ट्रॉफिक लेवल। तो कह रहा है कैलकुलेशन करनी हमें एनर्जी कंटेंट की, बायोमास की या नंबर की, तो हमें सारे ऑर्गेनिज्म उस ट्रॉफिक लेवल के काउंट करने होंगे, इंक्लूड करने होंगे। नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल। हम लोग कोई भी जनरलाइजेशन मतलब कोई भी बात नहीं कह सकते, है ना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, चावल जब पकता है, एक चावल छुआ पक गया तो हम कहते हैं सब पक गए। यहां हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल को ले लिया और उसको एनालाइज करके बात बोल दे, ना ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कोई भी जनरलाइजेशन नहीं दे सकते, ठीक है, कि केवल हम फ्यू इंडिविजुअल को ले लें और कोई बात बोल दें, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ऑल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, जैसे कि मैं बात करूं ह्यूमन की कर लूं मैं, तो ह्यूमन हमारे पास क्या है, यहां पे भी आ जाएगा और अप लेवल पे भी आ जाएगा, क्योंकि वो कार्निवर भी है और हर्बीवर भी है, दो लेवल पे आ गया ये, ठीक है। तो एक ये बात लाइन नोट करना, एक ऑर्गेनिज्म मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल को एक साथ ऑक्यूपाई कर सकता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज एज सच। ट्रॉफिक लेवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि किसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ रही है। अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, कह रहा है कोई एक स्पीसीज एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकती है, मैंने बताया अभी ह्यूमन के बारे में। इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, फॉर एग्जाम्पल अ स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स सीड फ्रूट पीस एंड अ सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट एंड वॉर्म। देखो दोनों जगह आ गई है, हर्बीवर में और कार्निवर में आ गया। कैन यू वर्कआउट हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल ह्यूमन बींग फंक्शन एट इन अ फूड चेन। हम भी दो में आ जाएंगे, है ना, ह्यूमन्स भी दो में आ जाते हैं। तो यानी कि जब एक स्पीसीज एक से ज्यादा में आ रही है तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है, हम लोग इस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे अभी यहाँ पर। तो इसीलिए कह रहा है कि हम लोग यहां पर कुछ चीजों को देख करके जनरलाइजेशन नहीं दे सकते। अब कह रहा है इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। देखो वाली कहानी आ गई, दैट इज प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवर एंड हर्बीवर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन दैट ऑफ कार्निवर। ऑल्सो एनर्जी एट लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट हायर लेवल। यानी कि सब में क्या हो रहा है, अपराइट की बात कर रहा है। देयर आर एक्सेप्शन। अच्छा, यहाँ पर उसने एक बात बोल दी है कि क्या बात बोलती है, ऊपर से हमको एक बात निकल के आ रही है कि एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा क्या करता है, ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है, किसी एक चीज को लेकर हम लोग बात नहीं कर सकते। वो कहानी उसने खत्म कर दी। फिर यहाँ पे बात करी उसने कब कब हमारे पास कैसा होगा अपराइट, अपराइट मतलब सीधा पिरामिड। अब कह रहा है एक्सेप्शन भी है, यानी कि पिरामिड मेरे पास उल्टे भी मिलेंगे जिनके बारे में बात कर चुका हूं। देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन, कि हमेशा सीधा सीधा पिरामिड नहीं मिलेगा। इफ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री, वही बात आ गई, एक बड़े पेड़ पे इंसेक्ट फीड कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। ऑब्वियस बात है, पेड़ एक है और कीड़े बहुत सारे हैं, तो कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा। नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट। अच्छा, मैंने बात पैरासाइट को लेकर बोल दी, यहाँ पे बात ये बर्ड्स को लेकर बोल रहे हैं। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड ईटिंग द स्मॉलर। अब यहाँ पे
छोटी बर्ड को बड़ी बर्ड खा रही है वो भी जोड़ दिया इसने, ड्रॉ द शेप यू वुड गेट, ऑब्वियसली बात है कैसा मिलेगा हमें, इन्वर्टेड, क्यों, पेड़ एक है उसके ऊपर इंसेक्ट बहुत सारे हैं, फिर उनको खाने वाली चिड़ियां बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है, तो कैसा मिला नंबर हमें, उल्टा मिला। अब द पिरामिड बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, देखो बायोमास का भी कैसा आया, इन्वर्टेड आया, बिकॉज बायोमास ऑफ फिशेज फार एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लांकटन, बड़ी बड़ी फिश वेल उनका मास बहुत ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू फाइटोप्लांकटन, इजंट दैट अ पैराडॉक्स, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, तो कह सकते हैं हम लोग क्यों, क्योंकि फाइटोप्लांकटन का मास क्या होता है, बहुत कम होता है, फिर बड़े बड़े जो शार्क वगैरह वो उनको खाती हैं, बड़ी बड़ी मछलियों को खाती हैं, तो उनका वजन और भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये बातें आ रही हैं, बायोमास ऑफ सी कैसा हो गया, उल्टा हो गया, बायोमास ऑफ नंबर एक सिंगल बड़े पेड़ को लेकर काउंट करेंगे तो बायोमास पिरामिड ऑफ नंबर उसके लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, पिरामिड एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बता चुका मैं ये, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोस फ्रॉम वन पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, एक से जब आगे बढ़ता है, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप, है ना, एनर्जी लॉस तो होती ही है, ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया, जो हर एक बार, बार मतलब ये खाना, इसको बार बोला गया, हर एक बार क्या दिखाता है, एनर्जी ऑफ पिरामिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, उस ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी मौजूद है, ठीक है, एट अ गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया या सालाना के दर से अगर हम इसको चेक करें, क्लियर है बातें, तो ये पिरामिड के बारे में बातें हो गई, आओ आगे देखें आप क्या कह रहे हैं, However, there are certain limitations of ecological pyramid. कुछ limitations भी हैं, मार्क कर लेंगे इसको, limitations. Such as it does not take into account the same species. देखो ये आ गई, यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली यही बात बोल दी थी जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि कुछ दिक्कतें आती हैं, ये बात यहाँ बोलकर एक्चुअली ये बात उठानी चाहिए बाद में कि एक स्पीसीज दो दो ट्रॉफिक लेवल पे आ रहा है, ठीक है ना, ये पिरामिड कवर नहीं कर पाता है, ये इसकी लिमिटेशन है, क्या कह रहा है, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, एक ही स्पीसीज दो दो लेवल पर आ रही है, उसको वो डिफाइन नहीं कर पाता पिरामिड, ठीक है ना, अब कायदे में देखा जाए जब एक ही स्पीसीज दो दो में आ रही है तो पिरामिड मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, एक चैप्टर ऐसा बनेगा फिर, ये आगे आते हैं, इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, ये हमेशा एक सिंपल फूड चेन को अज्यूम करता है, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि कभी भी नेचर में होती नहीं है, हमेशा फूड वेब रहता है, इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब, ये कभी फूड वेब को अकोमोडेट नहीं करता है, तो लिमिटेशन रख लेना, एक स्पीसीज दो में होती है उसको कंसिडर नहीं कर रहा, ये हमेशा सिंपल फूड चेन को मान के चलता है, नेचर में कभी भी सिंपल फूड चेन नहीं होती है, हमेशा फूड वेब पाया जाता है, मोर एवर सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, तीसरा लिमिटेशन, सेप्रोफाइट्स यानी कि डिकम्पोजर्स को कोई भी जगह नहीं दी गई है इकोलॉजिकल पिरामिड में, इवन दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, पूरा निचोड़ यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन यहीं से आएगा, लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है ना, तीन पिरामिड आ गए हमारे पास, सॉरी तीन लिमिटेशंस आ गई, क्या है, एक ही स्पीसीज दो दो जगह आ रही है, सिंपल फूड चेन को कंसिडर करके चलती है, कॉम्प्लेक्स फूड वेब को नहीं मानती है या फिर नहीं कंसिडर कर पा रही है, और तीसरा क्या आ गया, सेप्रोफाइट को कोई जगह इसने नहीं दी है, तो ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है कि किस तरीके से इकोलॉजिकल पिरामिड के हमारे पास क्या है लिमिटेशंस है, क्लियर है, तो नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन मतलब कोई चीज बढ़ते हुए क्रम में, कोई चीज कैसे आगे बढ़ रही है, यानी कि इकोलॉजी आगे कैसे बढ़ेगी, इसका क्या मतलब हो गया, तो इकोलॉजी का मतलब क्या है, आखिरकार इकोलॉजी क्रिएट कैसे होती है, कभी किसी टाइम पे कहीं रेगिस्तान हो या एक चट्टान पत्थर ही पत्थर है और आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा सा पथरीला इलाका था वहां पर अब एक जंगल आ गया, यानी कि एक इको सिस्टम क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है, तो इको सिस्टम क्रिएट कैसे हो रहे हैं, क्या क्रम रहेगा उनका, उसके बारे में बात रहेगी यहाँ पर, यू हैव लर्नड इन चैप्टर 13 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, हमने पढ़ा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, डेथ रेट, बर्थ रेट वगैरह वगैरह, एंड कम्युनिटी एंड ऑल्सो देयर रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, और वो पॉपुलेशन एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स कैसे करती है, हाइबरनेट, एस्टाइवेशन, तमाम बातें, एंड हाउ सच रिस्पॉन्सेज वेरी फ्रॉम एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, और एक सिंगल इंसान या सिंगल इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो भी हमने जाना, लेट अस एग्जामिन अनदर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट ओवर टाइम, एक और एस्पेक्ट समझते हैं कम्युनिटी का एनवायरमेंट के ऊपर एक ओवर टाइम, एक बड़े समय में, तो आओ देखो क्या कह रहा है,
एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कम्युनिटीज इज दैट देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरमेंट. मार्क करेंगे इसको. जो कम्युनिटी है उनका जो कंपोजिशन है एंड स्ट्रक्चर है लगातार बदल रहा है इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशन. जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती रहती है, कंपोजिशन कम्युनिटी का जो कंपोजिशन है और उसका स्ट्रक्चर लगातार चेंज हो रहा है. और समझते हो ना कंपोजिशन का मतलब क्या है और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, किससे बनी हुई है, कौन कौन पाए जा रहे हैं उसके अंदर, किनसे मिलकर कम्युनिटी बनी हुई है. ठीक है, दिस चेंज इज ऑर्डरली, ये एक ऑर्डरली चेंज होता है, यानी कि रैंडम हो गया. एंड सिक्वेंशियल पैरेलल विद द चेंज इन फिजिकल एनवायरनमेंट. ये जो चेंज होता है इसको मार्क कर लेना. जो चेंज इन कम्युनिटी आती है, ठीक है, ये ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर में चेंज होगा, सीक्वेंस में चेंज होगा और पैरेलल चेंज होगा फिजिकल एनवायरनमेंट. जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा उसी हिसाब से उसमें चेंज आता है, पैरेलल चेंज है. दीज चेंजेस लीड फाइनली अ कम्युनिटी डेट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट. और फाइनली ये चेंज होते होते एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट हो जाती है जो इक्विलिब्रियम में आ गई, यानी कि अब उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे एंड इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी. तो अभी तक ये बात सिर्फ थ्योरेटिकल समझ में आ रही होगी, प्रैक्टिकल दिमाग में इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, तो उसको भी अभी हम दिमाग में इमेजिनेशन करवाएंगे कि आखिरकार क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है. छोटा सा एक उदाहरण दे दूं मैं, जैसे इसी में चैप्टर में अभी आगे आने वाला है. जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा या पथरीला इलाका है, बहुत बड़े एरिया में पत्थर है. यहाँ पर सबसे पहले कौन होगा, इन पत्थरों में सबसे पहले अगर आकर कोई सर्वाइव करेगा तो अभी हम देखेंगे लाइकेंस होते हैं. कौन आते हैं, लाइकेंस. यानी कि सबसे पहले कम्युनिटी किसकी है, लाइकेंस की है. लाइकेंस जहाँ पत्थरों पर रहते हैं, उन पत्थरों पर जिन पर चिपके हुए रहते हैं उनको थोड़ा सा गलाते हैं, तोड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी क्रिएट होती है. लाइकेंस के बाद कौन आएंगे, उन छोटी छोटी मिट्टियों में कौन आना स्टार्ट होते हैं, आल्गी कह सकते हैं हम लोग धीरे से, ठीक है ना. देन ब्रायोफाइट्स आएंगे, देन टाइडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म एंड फाइनली एंजियोस्पर्म. और ये पूरा इलाका एक जंगल में बदल जाता है. अब जब एंजियोस्पर्म आ गए अब ये स्टेबल हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा. ये तो लास्ट कम्युनिटी आ गई है, अब कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा इसको हमने क्या कह दिया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी. ये चेंज ऐसा नहीं है एक दो महीने में हो गया, हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं. ठीक है, तो ये जो अलग अलग टाइम पर कम्युनिटी चेंज होती जा रही समय के साथ साथ, यही हमारे पास क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है. ठीक है, तो बात समझ में आ गई क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब क्या है, हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं. ये सब बातें लिखी हुई हैं, आगे देखते हैं. द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. ग्रेजुअल जो धीरे धीरे क्रमशः और फेयरली प्रेडिक्टेबल की हमें प्रेडिक्शन हो जाता है कि अब क्या स्पीशीज के कंपोजिशन में चेंज आने वाला है किसी गिवन एरिया में, उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है. द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन, जो स्पीशीज के कंपोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया का. ड्यूरिंग सक्सेशन यानी कि जब एक के बाद एक स्पीशीज की कम्युनिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. सम स्पीसीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस. कुछ स्पीसीज तो कॉलोनाइज होकर अपनी संख्या बहुत बढ़ा लेती है, वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज डिक्लाइंड एंड इवन डिसअपीयर. कुछ समय के साथ कई बार कम हो जाती हैं या इवन वहां से खत्म भी हो जाती हैं जो किसी टाइम पे रहा करती थी. बात समझ में आ रही है, ओके. द एंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज डेट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड सेरेस. जो पूरा सीक्वेंस था ये, इनको क्या कहा गया है, सेरेस कहा गया है. बात समझ में, समझना, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज, ये पूरा कम्युनिटी का सीक्वेंस था, लाइक एन आल गी ब्राइफा टाइडा फेडा, ये पूरा सीक्वेंस था, इसको क्या कहा गया है, सेरेस कहा गया है. द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सेरल स्टेज. द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी, जो कम्युनिटी बदल रही है, ट्रांजिशनल है ना, चेंज हो रही है. एक सिंगल मान लो मैंने यहाँ पे ब्राइफा टाइडा को ले लिया, ये धीरे से बदल रही है टाइडोफाइटा में. जो इंडिविजुअल है, एक की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं सेरल स्टेज, पर्टिकुलर कौन सा स्टेज चल रहा है. और सेरल कम्युनिटी, बात समझना, यही थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ कन्फ्यूजन रहते हैं, इसको अच्छे समझ लेना. इन द सक्सेसिव सेरल स्टेजेस, जो एक के बाद एक सेरल स्टेज आने वाली है, देयर इज अ चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज. ऑब्वियसली डाइवर्सिटी बदल जाएगी, है ना.
ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आलगी जब होगा तब तो किसी और टाइप की डाइवर्सिटी होगी, अब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आ जाएंगे तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ओके, स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंक्रीज इन द टोटल बायोमास। तो जैसे जैसे सेरल स्टेजेस बदलेंगी, डाइवर्सिटी बदलेगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बदलेंगे, ठीक है ना, बायोमास बदलेगा, या हम कह सकते हैं क्या हो रहा है, हर चीज बढ़ रही है, हर चीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन टोटल बायोमास। क्लियर होगी बातें, हर चीज बढ़ रही है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जैसे जैसे बढ़ रही, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं हर एक चीज में इंक्रीमेंट आ रहा है। द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट हैज ऑकर्ड ओवर मिलियंस ईयर्स। कह रहा जो आज की कम्युनिटी है, जंगल जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वो सक्सेशन से ही आए हैं, एक के बाद एक चेंज होने के बाद, जो उनका जो धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर लगे उन्हें चेंज होने में। स्टार्टेड ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ के ऊपर स्टार्ट हुए थे। एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम। एक समय पे इवोल्यूशन और सक्सेशन पैरेलल प्रोसेस थी, इवोल्यूशन भी हो रहा था और सक्सेशन भी हो रहा था। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ और नहीं है, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं ये उस समय की बात हो रही है जब अर्थ के ऊपर लाइफ एक तरह से स्टार्ट हो रही थी, वहां से हम बातें करना स्टार्ट कर रहे हैं। सक्सेशन इज हैंस अ प्रोसेस, सक्सेशन इसलिए एक प्रोसेस है, डेट स्टार्ट इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। तो कहां से स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग, है ना, क्योंकि इवोल्यूशन की बात कर दी। जब किसी पर्टिकुलर एरिया, यानी कि यहां पे क्या कहा था, चट्टाने हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो शुरुआत कहां से होगी, वहां से स्टार्ट करेंगे सक्सेशन को जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। दिस कुड बी एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर एग्जिस्टेड से बेयर रॉक, है ना, खाली चट्टान जिसके बारे में जिक्र किया, और इन एरिया डेट समहाउ लॉस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट एग्जिस्टेड देयर। या फिर हम कहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, कह सकते हैं एक रॉक जहां पे एक बहुत बड़ी चट्टान है जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, या कोई ऐसा एरिया जहां पहले ऑर्गेनिज्म थे और अब नहीं है, यानी कि हम मान लेते हैं कि जंगल था, जल के पूरा राख हो गया। क्या अंतर आ जाएगा दोनों में, बेयर रॉक में और इसमें? बेयर रॉक में मिट्टी तक नहीं है, लेकिन जहां पहले ऑर्गेनिज्म थे और अब नहीं है, यानी कि वहां पहले मिट्टी तो है, मिट्टी बनाने में तो दिक्कत नहीं आएगी, हमें केवल क्या करना है, सक्सेशन आने फटाफट पेड़ उग जाएंगे। तो बेयर रॉक से क्लाइमेक्स आने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना, और जहां पहले से ऑर्गेनिज्म थे वहां पे वापस क्लाइमेक्स आने में कम टाइम लगेगा। क्लियर है? द फॉर्मर इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, जो रॉक वाला है उसको प्राइमरी कहते हैं, एंड द लेटर टर्म्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन, और जो लेटर यानी कि बाद वाला है, यानी कि जहां पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे अब नहीं है, वहां से अगर सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल्स ऑफ एरिया वेयर प्राइमरी सक्सेशन ऑकर आर न्यूली कूल्ड लावा, कहां कहां हो सकता है आज के टाइम पे, लावा निकला है वो ठंडा हो गया है ना, लावा उसका काफी मिनरल्स वगैरह होते हैं, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, है ना, गड्ढा हुआ, पानी गिरा उसके अंदर, अब वो नया नया क्रिएट हुआ है, और रिजर्वायर, कोई न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड हो या कोई भंडार हो नया नया, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ, तो ये आगे हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन के उदाहरण कहां कहां से स्टार्ट हो सकते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो, शुरुआत में जो एस्टेब्लिशमेंट होता है काफी स्लो होता है, बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम एस्टेब्लिश देयर मस्ट बी सॉइल। बायोटिक कम्युनिटी एस्टेब्लिश होने से पहले वहां पे सॉइल का होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? तो साफ साफ लिखा हुआ है न्यू बायोटिक कम्युनिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है बहुत धीमे से होता है, और उसके एस्टेब्लिश होने से पहले वहां सॉइल का होना जरूरी है। डिपेंडिंग मोस्टली ऑन क्लाइमेट इट टेक्स नेचुरल प्रोसेसेस सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड ईयर टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल ऑन अ बेयर रॉक, कई हजार साल तक लग जाते हैं उसको सॉइल में बदलने में। बात क्लियर है? ठीक है, आगे आते हैं। क्या कह रहा है? सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जहां पे बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, सच एज इन अबंडेंट फार्मलैंड, है ना, यानी कि खेती थी, हमने खेती क्या होगी, सब फसल अलग पक गई, हमने काट कूट के सब अलग कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया ये अबंडेंट फार्मलैंड, अबंडेंट मतलब ऐसा फार्मलैंड जो त्याग दिया गया है, वहां पर कोई काम नहीं होता है, अबंडेंट फार्मलैंड और बर्नड और कट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को जला दिया गया है, लैंड्स डेट हैव बीन फ्लडेड, जहां बाढ़ आ गया वहां कुछ नहीं है, मिट्टी है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, तो ये वो एरिया बता दिया इसने, वो जगह बताई है जहां से सेकेंडरी सक्सेशन हमारा स्टार्ट होगा। सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट, सेडिमेंट मतलब जो पार्टिकल जमीन में बैठे होते हैं, इज प्रेजेंट कहां पर, इन एरियाज में सॉइल मौजूद होती है,
सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। क्लियर होगी बात? आगे आते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजली फोकस ऑन चेंज इन वेजिटेशन। डिस्कशन की जब भी बात करते हैं तो मेनली फोकस करता है वेजिटेशन में क्या चेंज आया, जैसे ब्रायर से टाइडोफाइटा, टाइडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म, वेजिटेशन में क्या चेंज आ रहा है। हाउएवर दीज वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न अफेक्ट फूड एंड शेल्टर। ये जो वेजिटेशनल चेंजेस होते हैं भाई, जैसा खाना पीना होगा उसी हिसाब से खाना होगा, मतलब जैसे आपका पेड़ पौधे होंगे उसी हिसाब से खाना होगा एनिमल्स के लिए, उसी हिसाब से रहने की जगह होगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के लिए, उसी हिसाब से उस एरिया में जाकर के एनिमल्स रहना स्टार्ट करेंगे। Thus, a succession proceeds, the numbers and types of animal and decomposers also changes. तो इसीलिए सक्सेशन प्रोसीड करता है कि किस टाइप के एनिमल्स वहां रहेंगे और ऑल्सो डिकम्पोजर फिर वहां पे कैसे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें चल रही हैं किस तरीके से फाइनली डाइवर्सिटी में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, किसी भी समय जब प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा हो, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस, फायर, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सेल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज। है ना, यानी कि जो सेल स्टेज होती है उसको अर्ली स्टेज में बदल सकती है, हो सकता है वो चीज जल्दी हो जाए। ऑल्सो सच डिस्टर्बेंसेस क्रिएट न्यू कंडीशन डेट इनकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीसीज। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी जो सेल स्टेजेस होती हैं उनको जल्दी ला सकती हैं या जल्दी खत्म कर सकती हैं, और साथ साथ में क्या कर सकती हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज को वहां पे आने को बढ़ावा दे सकती है जो वहां पे नहीं होनी चाहिए, या कुछ ऐसी स्पीसीज को खत्म कर सकती है जो कायदे में नेचुरल होता तो खत्म नहीं होती। क्लियर है? तो ये सब बातें होगी सक्सेशन को लेकर के। अब यहां पर क्या दिखाया हुआ है, सक्सेशन ऑफ प्लांट दिखाया हुआ है। ठीक है, कि प्लांट का सक्सेशन कैसे हुआ है, तो आओ देखें जरा किस तरह से होता है प्लांट का सक्सेशन, किस तरह प्लांट अपने सेल स्टेज में चेंजेस आते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द हैबिटेट, वेदर इट इज वाटर और इट इज ऑन अ वेरी ड्राई एरिया। ठीक है, सक्सेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रार्क और जिरार्क रेस्पेक्टिवली। यानी कि जब वाटर वाली कंडीशन में, मान लो कोई यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा था जहाँ पे पानी पानी था, और यहाँ पे आने वाले टाइम पे क्या बन जाए, जंगल बन गया, तो पानी किसे बदल गया, जंगल में। तो ऐसी सक्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रार्क सक्सेशन। और मान लो कहीं पर क्या था, ड्राई चट्टान चट्टान थी, और फिर आने वाले टाइम पे वहां क्या बन गया, जंगल बन गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिराक। बात समझ में आ गई? ओके, तो कह रहा है हाइड्रार्क सक्सेशन टेक प्लेस इन वेट एरियाज, ऑब्वियसली पानी होगा, एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। मेजिक क्या हो जाती है, जो बीच वाली, ना पानी ना चट्टान, बीच वाली, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं जो हमारे फॉरेस्ट एरिया होते हैं उसको हम लोग ओवरऑल क्या बोलते हैं, मेजिक कंडीशन बोलते हैं, यानी कि फाइनल जहां क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है। एज अगेंस्ट दिस, जिराक सक्सेशन टेक प्लेस इन ड्राई एरिया एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मेजिक कंडीशन। यानी कि मेजिक अल्टीमेटली क्या है, हमारी क्लाइमेक्स कंडीशन है हमारे पास। तो हाइड्रार्क भी मेजिक कंडीशन में खत्म होगा, जिराक भी मेजिक कंडीशन, क्योंकि अल्टीमेटली बन क्या रहा है, फॉरेस्ट, यहां पे भी, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, मेजिक कंडीशन। हेंस बोथ हाइड्रार्क एंड जिराक सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन, मीडियम वाटर कंडीशन, यानी कि मेजिक ये डिफाइन कर दिया। मीडियम वाटर मतलब जंगल वगैरह में थोड़ा बहुत पानी तो होता ही है, छोटी छोटी नहरें निकली हुई हैं, नाले निकले हुए हैं, ठीक है, तो मैजिक कंडीशन। नाइदर टू ड्राई नॉट टू वेट, मैजिक क्या हो गया, बहुत ज्यादा सूखा नहीं, बहुत ज्यादा गीला नहीं। तो ये तो रही शुरुआत कहां से हो रहे हैं तो क्या कहेंगे, और अंत कहां पे हो रहा है तो क्या कहेंगे। अब इंपॉर्टेंट, द स्पीसीज दैट इन्वेड, इन्वेड मतलब पहली बार आती है या पहली बार आकर के कहीं पर घुसती है, इन्वेड घुसती है ऑन अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पायोनियर स्पीसीज। सबसे पहले स्पीसीज जो आकर के किसी पानी में चट्टान पे आकर के सर्वाइव करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहली पायोनियर स्पीसीज। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक दीज आर यूजली लाइकन, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, रॉक के ऊपर कोई अगर स्पीसीज सबसे पहले आके सर्वाइव कर सकती है तो लाइकन होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कई बार एग्जाम में, विच आर एबल टू सिक्रीट एसिड टू डिजॉल्व रॉक, मैंने बताया था पकड़ा हुआ होता है नीचे से, वहां एसिड सिक्रीट करती है, रॉक डिजॉल्व होता है तो हल्का हल्का वो सॉइल में बदलना स्टार्ट होता है, हेल्पिंग इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन, है ना, रॉक का वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दीज लेटर
बाद में पेव वे टू सम वेरी स्मॉल प्लांट लाइक ब्रायोफाइट। बाद में क्योंकि वह मिट्टी आ गई है, अब ब्रायोफाइट उस मिट्टी में आके टिक सकता है, तो कौन आ गए, ब्रायोफाइट आ गए, विच आर एबल टू टेक होल्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। अब ब्रायोफाइट छोटी थोड़ी मिट्टी में रह सकते हैं, तो उसके बाद ब्रायोफाइट आ गए। दे आर विद टाइम सक्सीडेड बाय हायर प्लांट एंड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस अल्टीमेटली अ स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कमिटी इज फॉर्म। धीरे धीरे हायर प्लांट आने स्टार्ट होते हैं, ब्रायो टेरिडो एंड देन जिमनन देन एनजीओ, और अल्टीमेटली वो क्लाइमेक्स में पहुंचता है, यानी कि फॉरेस्ट मेरा बन जाता है। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरमेंट रिमेन अनचेंज। क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी तभी तक स्टेबल रहेगी जब तक मेरा एनवायरमेंट क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। विद टाइम द ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट, द ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट होता है, गेट्स कन्वर्टेड टू मेसोफाइटिक वन। समय के साथ जो ज़ेरोफाइटिक होता है वो मेसोफाइटिक वन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, आगे आते हैं। ये बात रही जीरो की, अब हम बात करते हैं हाइड्रा पानी की। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पायनियर आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन, नोट कर लेना, विच आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। समय के साथ प्लांट्स जिनकी जड़ें होती हैं उससे कन्वर्ट हो जाते हैं, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट। कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, रिप्लेस हो जाते हैं बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, डूबे हुए प्लांट, सबसे जमीन में डूबे हुए प्लांट, फिर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म जिनकी जड़ें हैं उनको फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट। अल्टीमेटली सिक्वेंस देखना, रूटेड सबमर्ज प्लांट जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म जड़े तो पानी में है लेकिन ऊपर निकले हुए हैं, ठीक है ना, फ्लोट कर रहे हैं, फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग, अब जड़े पानी में है, उस पानी से न्यूट्रिएंट वगैरह ले लेते हैं और फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या आ रहा है, रीड स्वैम्प मार्श मेडो स्क्रब एंड फाइनली द ट्री। ये सिक्वेंस याद रखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि किस सिक्वेंस में ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जा रहा है। द क्लाइमेक्स अगेन वुड बी अ फॉरेस्ट, क्लाइमेक्स यहाँ पे भी क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, ठीक है। विद टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड, समय के साथ वाटर बॉडी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। फिगर 14.5 दिखाना चाह रहा है तो आओ देखो, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन है यहाँ पर, रीड स्वैम्प स्टेज है ना, घास टाइप की एरिया दिखाई दे रहा है, फिर सबमर्ज प्लांट डूबे हुए हैं, देन मार्श मेडो स्टेज प्लांट थोड़े थोड़े ऊपर तक आ गए हैं, और अल्टीमेटली फ्री फ्लोटिंग वाले आ गए, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या आ गया, स्क्रब स्टेज, यानी कि गड्ढा है थोड़ा थोड़ा, याले प्लांट भी है और बड़े बड़े प्लांट भी है, और अल्टीमेटली क्या बन गया, ये फॉरेस्ट, यानी कि याले प्लांट भी और कम हो गए और बड़े बड़े प्लांट बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये क्या स्टेजेस दिखा रखी हैं, तुम लोग पक्के से ध्यान रखना, ये डायग्राम इतना डायग्राम हो सकता है तुम्हारे पास आ जाए एग्जाम में, पूछ ले बताओ कौन सी स्टेज है, इतना डायग्राम आ जाए तुम्हारे पास बोल दे पूछ ले कौन सी स्टेज है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। क्लियर है, तो आओ देखें इसमें क्या बोल रहा है। तो ये सारी बातें खत्म हो गई, अब कह रहा है प्राइमरी सक्सेशन दोनों हो गए हमारे पास, जिरार्क से मैजिक और हाइड्रार्क से मैजिक। अब सेकेंडरी सक्सेशन की बात कर रहा है, यानी कि पहले वहां लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जंगल वगैरह था, वो क्या है, जला दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब वहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीसीज डेट इन्वेड, जो स्पीसीज इन्वेड करती है उस एरिया को जाकर के, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल, सॉइल की कंडीशन क्या, उस हिसाब से वाली प्रजाति आकर के उसमें वहां पे आके क्या करेगी, अटैक करती है, उस इन्वेड मतलब उस एरिया में आ जाएगी और रहना चालू करेगी। किस किस पे डिपेंड करेगी, कि कौन सी स्पीसीज आएगी, सॉइल की कंडीशन, पानी कितना है, द एनवायरमेंट एज ऑल्सो द सीड वाटर, द एनवायरमेंट एज ऑल्सो द सीड और अदर प्रोपेग्यूल्स प्रेजेंट, है ना, सीड्स वगैरह कौन से हैं और पानी कितना है, सॉइल कैसा है, ये सब चीजें डिपेंड करेंगी। सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर, मिट्टी तो वहां पहले से होती है, द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर, हैंस क्लाइमेक्स आल्सो रीच मोर क्विकली, क्लाइमेक्स भी जल्दी आता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दस इज दैट सक्सेशन, पर्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन, इज अ वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लगभग कितना ले रहा है ये, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ओके, थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द क्लाइमेक्स टू बी रीच्ड। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज टू अंडरस्टैंड डैट, दूसरा हमें फैक्ट जो समझना है यहां पर, डैट ऑल सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड, पानी में हो या जमीन पर हो, प्रोसीड टू सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी द मैजिक, पढ़ चुके हम लोग अभी पहले, अल्टीमेटली उनका अंत कहां होगा, मैजिक में जाकर होता है, मैजिक कंडीशन में। क्लियर है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब क्या, तो न्यूट्रिएंट साइकिल, तो क्या कह रहा है न्यूट्रिएंट साइकिल, हम लोग पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, जो मेन टॉपिक थे चैप्टर्स के वो हमने कवर कर लिए हैं, तो आओ देखें जरा न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या बोल रहा है वो,
कह रहा है यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 दैट ऑर्गेनिज्म नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिज्म को लगातार न्यूट्रिएंट की सप्लाई चाहिए होती है टू ग्रो रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस, है ना, अपने बॉडी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए और डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। जैसे स्टैंडिंग क्रॉप था बायोमास के लिए, तो यहां पर एक टर्म आ गया स्टैंडिंग स्टेट। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है मौजूद होता है सॉइल के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम एंड आल्सो ऑन सीजनल बेसिस। ऑब्वियसली बात है, हर इकोसिस्टम में अलग होगा, हर सीजन में अलग होगा, है ना, ये तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट दैट, हमें क्या जरूरी है जो जानना है, न्यूट्रिएंट व्हिच आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम, रेदर दे आर रिसाइकल्ड टाइम एंड अगेन इनडेफिनेटली। क्या कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट व्हिच आर नेवर, जो कि कभी लॉस्ट नहीं होते फ्रॉम द इकोसिस्टम, रेदर दे आर रिसाइकल्ड टाइम एंड अगेन इनडेफिनेटली। जो क्या है, लगातार क्या होते जा रहे हैं, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि रिसाइकल हो रहे हैं समय के साथ, अगेन एंड अगेन, अनंत, हमेशा, इनडेफिनेटली होते ही रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एन इकोसिस्टम कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। जो अलग अलग कंपोनेंट से न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये नोट करेंगे। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब रॉक्स, एयर मतलब वाटर, जियो मतलब रॉक, एयर, वाटर। न्यूट्रिएंट साइकिल आर ऑफ टू टाइप, गैसेस एंड सेडिमेंटरी। गैस की हो सकती है और सेडिमेंटरी मतलब मिट्टी, पत्थर, जो चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखें जरा क्या कह रहा है, द रिजर्वायर फॉर गैसेस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, एग्जाम्पल नाइट्रोजन कार्बन साइकिल, एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। जो भंडार है गैसेस साइकिल का, वो कहाँ मौजूद है, एटमॉस्फेयर में, ये नोट करेंगे। एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल, एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस, जहां से आ रहा है, द रिजर्वायर इज लोकेटेड इन अर्थ क्रस्ट। ये दो पॉइंट मार्क कर लेंगे, रिजर्वायर कौन कौन है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है हमारे पास। Environmental factors, example soil, moisture, pH, temperature, etc. regulate the rate of release of nutrients in the atmosphere. ये भी mark कर लेंगे। कौन से factor हैं जो regulate करते हैं rate of release of nutrients into the atmosphere? ठीक है, soil, moisture, pH, temperature. The function of the reservoir is, reservoir मतलब क्या होता है, भंडार। इसका function क्या है? To meet the deficit. अगर कहीं कमी हो गई है तो यहां से न्यूट्रिएंट्स निकल करके उस कमी वाली जगह पर चला जाएगा। डेफिसिट मतलब कमी, विच ऑकर ड्यू टू इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। मतलब जितना इनपुट है और आउटपुट दोनों का अगर रेट में गड़बड़ हो जाए, तो इस भंडार से वो चीजें निकल करके उस जगह पहुंचती हैं। यू हैव मेड अ डिटेल स्टडी ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन क्लास 11, हियर वी डिस्कस कार्बन एंड फॉस्फोरस। क्या नाइट्रोजन की हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां हम लोग इसके डिस्कस करने वाले हैं, कार्बन की और फॉस्फोरस की, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, कार्बन साइकिल का एक सिंप्लीफाइड मॉडल दे रखा है। CO2 क्या है, एटमॉस्फेयर से कहाँ जा रही है, पानी में डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, और रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन, अच्छा यहाँ से ऊपर जा रही है, कहाँ कहाँ से, दो, और CO2 कौन ले रहा है, प्लांट ले रहा है, तो दो जगह से CO2 कंज्यूम होती है, ठीक है, पानी के अंदर CO2 इन वाटर, ठीक है, और प्लांट के द्वारा। कहाँ कहाँ से वापस जा रही है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना, रेस्पिरेशन, हम लोग जो सांसें छोड़ रहे हैं उसके थ्रू। तो ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, नीचे का, ये सब सिंपल है, यहाँ पे कुछ हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं समझना है फिलहाल, देख लें। और कुछ खास चीज़ें, अगर कोई खास डाटा यहाँ मौजूद है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, तो उसको देख लेते हैं। व्हेन यू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कार्बन कंस्टिट्यूट 49%, ये हम नोट कर लेंगे, ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज नेक्स्ट ओनली टू वाटर। यानी कि वाटर के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा है तो वो क्या है, कार्बन है। If we look at the total quantity of global carbon, पूरी दुनिया का कार्बन की बात करें, we find that 71% carbon is found dissolved in ocean. 71% carbon कहाँ dissolve है, ocean में। अब डाटा है, डाटा याद कर लेंगे क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। This oceanic reservoir regulate the amount of CO2 in the atmosphere. जो ये ocean के अंदर CO2 है ना, ये reservoir का काम करता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में। रिजर्वायर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, ये अमाउंट ऑफ CO2 जो एटमॉस्फेयर में है उसके लिए रिजर्वायर का काम कर रहा है। ओके, डू यू नो दैट
एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन अबाउट 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। एटमॉस्फेयर के पास देखो वो 71% है, एटमॉस्फेयर के पास पूरी दुनिया में जो कार्बन है उसका केवल 1% है। ठीक है, डू यू नो डेट दैट? ओके, फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वेयर ऑफ कार्बन। फॉसिल फ्यूल भी क्या है? रिजर्वेयर ऑफ कार्बन है ना, धुआं वगैरह धक्कड़ उसमें से क्या है, कार्बन निकलती रहती है। कार्बन साइक्लिंग ऑकर थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। किनके थ्रू हो रही है? अभी हमने चार्ट पीछे देखा था, फ्लो चार्ट है ना, ये किस किसके थ्रू हो रही है? एटमॉस्फेयर, प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और फॉसिल फ्यूल वगैरह, इनके थ्रू क्या है, साइक्लिंग हमारी पूरी कंप्लीट होती है। ये कंपोनेंट हो गए साइकिल के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4×10⁻³ केजी ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। इतना केजी कार्बन फोटोसिंथेसिस के थ्रू खपत कर ली जाती है। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न टू एटमॉस्फेयर है CO2, और बदले में काफी ज्यादा CO2 वापस लौटती भी है ना, किसके थ्रू, जो है ना, जो चीज जल रही है, हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल है, इन सब के थ्रू वापस भी जा रही है, थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। फिलहाल तो यहां पर दो ही बातें बोली हैं, काफी ज्यादा अमाउंट वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, जो हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, किसकी, प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की। डिकम्पोजर्स आल्सो कंट्रीब्यूट सबस्टेंशियली टू CO2 पूल बाय देयर प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लैंड और ओशियन। तो ध्यान रखना एटमॉस्फेयर में CO2 कहां कहां से जा रही है, अगर लिविंग थिंग की बात की जाए तो प्रोड्यूसर प्लांट भी छोड़ रहे हैं CO2, है ना, पता होगी ये बात, कंज्यूमर्स हम लोग तो छोड़ ही रहे हैं, साथ साथ में कौन छोड़ रहे हैं, डिकम्पोजर्स भी CO2 रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। ये कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है बस। सम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट एंड रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन। कुछ CO2 जो होता है वो सेडिमेंट मतलब कि पत्थर कंकड़ों में चली जाती है, मिट्टी में चली जाती है और इस सर्कुलेशन से, इस साइकिल से हट जाती है। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, लकड़ी का जलना, फॉरेस्ट फायर एंड कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का जलना, फॉसिल फ्यूल, वॉल्केनिक एक्टिविटी, भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह, एडिशनल सोर्सेज ऑफ रिलीज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। ये सब तो एडिशनल सोर्स हैं, हमारा मेन सोर्स क्या है भाई, अगर हम पुराने पृथ्वी में चले जाएं ये सब तो मतलब था ही ना, फॉसिल फ्यूल वगैरह जलना, गाड़ियों में चलना, ये सब था ही नहीं तब। CO2 कहां से आती थी, केवल प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर से और डिकम्पोजर से, उसके अलावा कहां से आ जाती थी, अब कहां कहां से, सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी भी है सेकेंडरी, मेन वो थे, ये सेकेंड नंबर पे आ गए हमारे पास। आगे आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द कार्बन साइकिल। सबसे ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी ने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया कार्बन साइकिल को, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के रूप में बहुत ज्यादा कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है। रैपिड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे बहुत कट रहे हैं, मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है ना, यहीं पे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट समझेंगे CO2 का चैप्टर नंबर 16 में, जो ट्रैप CO2 की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ की गर्मी बढ़ रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे साइकिल के बारे में कुछ नहीं, कुछ डाटा है यहाँ पर, तो डाटा जो कुछ है वो थोड़ा नोट कर लेंगे, साइकिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आते हैं फॉस्फरस की साइकिल में, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ डाटा हो हमारे पास। तो कह रहा है फॉस्फरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, है ना, याद आया, फॉस्फोलिपिड बायलेयर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, भूल गए, सेल मेम्ब्रेन इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम, ये कहाँ कहाँ का है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड में भी, डीएनए में भी फॉस्फोरस पाया जाता है, और सेलुलर एनर्जी ATP। तो अगर बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करी जाए तो सेल मेम्ब्रेन, हमारा डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड और ATP, एनर्जी ट्रांसफर किसके रूप में होती है, ATP, इन सब जगहों पे क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। तो एक डाटा हो गया हमारे पास ये, कि बताओ फॉस्फोरस कहाँ कहाँ है। मैनी एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वान्टिटी ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक शेल। शेल मतलब है ना, सीप जो होते हैं समुद्र में मिलते हैं, बोन्स, हड्डियां, टीथ, फॉस्फोरस यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक, ये मार्क कर लेंगे, रॉक जो चट्टाने होती है फॉस्फोरस की नेचुरल रिजर्वायर है, विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, किस रूप में, ये भी मार्क करेंगे, फॉस्फेट के रूप में रहता है। वेन रॉक्स आर वेदर्ड, है ना, चट्टाने, वहां पानी गिरता है, बादल, बिजली कड़क रही है, ठीक है, जब वेदरिंग होती है उनकी, माइन्यूट अमाउंट ऑफ दीज फॉस्फेट डिजॉल्व इन सॉइल सोल्यूशन, यानी कि जो पानी वगैरह गिर रहा है उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, एंड आर अब्सॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। फाइनली जो नदियां आदियां निकलती है ना, तो बहुत पहले की बात की जाए अगर, तो चट्टानों से नदियां फ्लो होकर के आ रही हैं, उनसे धीरे धीरे फॉस्फेट कहाँ गया, नदियों किनारे, वहाँ प्लांट्स से उन्होंने अब्सॉर्ब किया
और वो कहाँ आ गए, प्लांट्स के पास आ गए। ठीक है, फिगर 14.7, तो देखें जरा 14.7, फॉस्फोरस साइकिल है ना, रॉक से वेदरिंग हो रही है, सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन में रन ऑफ, ठीक है, यानी कि बह गया पानी के साथ, चला गया समुंदर में, अपटेक किया गया प्रोड्यूसर के द्वारा, कंज्यूमर ने खाया डेट्राइटस, और जो लिटर फॉल प्रोड्यूसर जो मर गए उनको डेट्राइटस ने कंज्यूम कर दिया, डेट्राइटस ने वापस सॉइल, सॉइल से फिर यहाँ चले गए फॉस्फोरस। इस तरह से इनकी क्या हो रही है, साइकिलिंग हो रही है, फॉस्फोरस की कमी पड़ेगी तो रॉक से और आ जाएगा, ये रिजर्वायर है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं। हर्बिवोर्स एंड अदर एनिमल ऑब्टेन दिस एलिमेंट फ्रॉम प्लांट, सिंपल सी बात होगी, साइकिल समझ में आ गया, प्लांट से आ रहा है, इसके लिए हर्बिवोर के लिए, अदर एनिमल्स के लिए, द वेस्ट प्रोडक्ट एंड डेड ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोज्ड बाय फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये मार्क कर लेंगे, यानी कि डेट्राइटस में जो फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया है ये रिलीज करवाती है फॉस्फोरस, फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया। अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज, कार्बन साइकिल की तरह यहां पे कोई रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं है, मतलब हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कोई फॉस्फोरस नहीं निकलेगी। ठीक है, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल, तो ठीक है एक चार्ट बना लेंगे और डिफरेंशिएट क्रिएट कर लेंगे यहां पर। द अदर टू मेजर एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल आर, जो मेजर की बात कर रहा है, फर्स्टली एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट, कार्बन रेनफॉल के द्वारा, सारा जो कार्बन होता है रेनफॉल के द्वारा क्या हो रहा है, ओके क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर, ठीक है, फॉस्फोरस का एटमॉस्फेरिक जो रेनफॉल है, रेनफॉल के द्वारा जो एटमॉस्फेरिक इनपुट है वो बहुत कम है और कार्बन का बहुत ज्यादा है। सेकेंडली गैसेस, गैसेस एक्सचेंजेस ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर नेग्लिजिबल, हमारे CO2 छोड़ते हैं बहुत ज्यादा तो काफी ज्यादा ये आ जाता है। तो बस ये दो मेजर डिफरेंसेस याद रखोगे, उसके अलावा इकोसिस्टम सर्विस, ये जस्ट लाइक केक क्या दे दिया है, समझाने के लिए दिया गया है कि देखो अगर जितनी भी इकोसिस्टम हमको सर्विस दे रहा है ऑक्सीजन वगैरह, अगर इनकी कीमत लगाई जाए, हम लोग इसको पैसे खरीदने की कोशिश करें तो क्या होगा। तो इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है रीड कर लेते हैं इसको, हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, हेल्दी इकोसिस्टम होगा तो एनवायरमेंट हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विस, जो इकोसिस्टम प्रोसेसेस के जो प्रोडक्ट है, जैसे O2 का निकलना, बारिश का होना, ठीक है ना, ये क्या है, इकोसिस्टम की सर्विस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्यूरिफाई एयर, एयर को प्यूरिफाई कर रही है, वाटर को प्यूरिफाई कर रही है, मिटिगेट ड्रॉट्स, बाढ़ को रोकती है, फ्लड, ठीक है ना, ड्रॉट सॉरी मिटिगेट ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा, पहाड़ों से टकरा करके बारिश हो रही है, पेड़ होने से फ्लड नहीं आते हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हो रही है, जनरेट फर्टाइल सॉइल, सॉइल को फर्टाइल कर रही है, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जंगलों में वाइल्ड लाइफ रहती है, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन है, पॉलिनेट क्रॉप, कर सकता क्या ह्यूमन, क्रॉप को पॉलिनेशन नहीं कर सकता, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन एंड ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब जहां जाके सुकून मिले, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू है ना, जंगलों में जाते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है। दो वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, यद्यपि इनको, इनको हम अगर जो वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल है, इट सीम्स रीजनेबल टू थिंक दैट बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी अ हेफ्टी प्राइस टैग, बहुत ज्यादा भारी प्राइस टैग होगा इसका। तो कह रहा है आगे, रॉबर्ट कॉस्टेंजा एंड हिज कॉलीग हैव वेरी रिसेंटली ट्राइड टू पुट प्राइस टैग्स ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विस, ठीक है, उन्होंने प्राइस टैग लगाने की कोशिश की, लाओ देखें कितना क्या होगा। रिसर्चर्स हैव पुट एवरेज प्राइस टैग ऑफ $33 trillion अ ईयर ऑन दिस फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विस, पूरी सर्विस का कितना लगाया, 33 trillion, विच आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री, और जिसको क्योंकि हम लोग फ्री में मिल रही है तो हम लोग इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विच इज 18 trillion, पूरी ग्लोबल की जो GNP है उसका दुगना है करीब करीब ये, ठीक है ना, क्योंकि ये सब फ्री मिल रही है तो हम लोग इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विस द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर अबाउट 50%, यानी 33 का लगभग आधा कर ले हम लोग, ठीक है ना, तो 50% कीमत इसी में खपत हो जाएगी सॉइल को फर्टाइल करने में।
द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर सर्विस लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर लेस देन 10%. इज द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6%. तो सबकी एक कीमत लगाई गई और कीमत से हमको एक चीज़ ये समझ में आई है कि बहुत कॉस्टली है अगर ये सब चीज़ें हमें पैसों से करनी पड़े. तो ये था हमारा चैप्टर, ठीक है, कंप्लीट हो गया है एक ही लेक्चर में, बहुत अच्छी बात है ये. तो क्या करोगे, इसको पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें बस खास खास पॉइंट को निकाल करके कैटेगराइज करके सेट कर लोगे किसके अंदर क्या बात बोली गई है, यानी कि क्या टर्म आया है. मेन चीज़ यहाँ पे टर्म का पता होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में. बाद कुछ सीक्वेंसेस हैं, ठीक है ना, बाद बाकी चैप्टर आसान है, थोड़ा सा लर्न करना, याद करना हो जाएगा. तो क्या करना है, रिवाइज करोगे और याद करोगे. ऑल द बेस्ट.